ओके हेलो गाइस, आज का सेशन हम लोग फोकस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर. वी विल सी मोस्ट ऑफ दी जावास्क्रिप्ट जो आज की डेट में मतलब यूजफुल है फॉर नॉट जस्ट फ्रंट एंड बट आपके एंगुलर, रिएक्ट या फिर व्यू जेएस के लिए जो प्री रिक्विजिट है हम उस पर भी फोकस करेंगे. ठीक, ट्राई करेंगे हम मोस्ट ऑफ द पार्ट आज कवर करने का इन नेक्स्ट 2-3 आवर्स. ये कंटिन्यू सेशन रहेगा, बीच बीच में थोड़ा वी कैन टेक अ ब्रेक. इट्स अ वेबिनार, नॉट अ वर्कशॉप, तो वी कैन टेक द क्वेश्चंस लेटर. बट इन बिटवीन अगर आपको कोई भी अगर डाउट आता है आप चैट बॉक्स में पोस्ट करके रख देना. सो आई विल टेक अ लुक एंड गिव यू आंसर आफ्टर द ब्रेक. ठीक है, कोई भी ब्रेक होने के बाद मैं उसके आंसर देखूंगा. इन बिटवीन अगर आते हैं डाउट्स तो ऑब्वियसली वो उसके शायद मैं आंसर दे दूं डिस्क्रिप्शन में ही, बट ट्राई करते हैं हम मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करने का जो कि इम्पोर्टेंट है, जस्ट जस्ट फॉर प्री रिक्विजिट ऑफ एडवांस जावास्क्रिप्ट. ठीक, सो एज यू कैन सी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कंप्लीट इट्स 9th ईयर इन अ रो. मतलब ये पिछले साल का सर्वे है, इस साल का सर्वे होने का, ये शायद अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में ये लोग सर्वे के लिंक शेयर करते हैं स्टैक ओवरफ्लो. इट्स लाइक अ बाइबल फॉर ऑल द डेवलपर्स. तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स आज की डेट में जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं अपने अप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए. सो दैट्स वाई वी आर जस्ट टेकिंग दिस सेशन. और हम लोग देखते हैं कि वाई जावास्क्रिप्ट इज दैट मच पॉपुलर. ठीक, तो सबसे पहले ब्लॉग में जाके मैंने कुछ कंटेंट्स की लिस्ट निकाली है विच वी आर गोइंग टू सी टुडे. तो सबसे पहले तो जावा इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट गाइस, मतलब ये वो चाचा ही भतीजा है, भतीजा ही चाचा है, वो वाला सीन नहीं है यहाँ पर. तो जावा इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जावा स्क्रिप्ट इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी. जावा इज अ टेक्नोलॉजी वेयर जहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग वगैरह यूज होता है, गेम्स वगैरह बनाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते हैं, कंसोल एप्लीकेशंस बनाते हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क है वहाँ पर, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क है. तो दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड जावा स्क्रिप्ट इनिशियली ये ECMAScript के 6 स्टैंडर्ड डालने से पहले, जावास्क्रिप्ट 2015 के पहले फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी थी. ठीक है, एक वीबी स्क्रिप्ट करके थी और दूसरा था जावास्क्रिप्ट. तो वीबी स्क्रिप्ट वॉज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एंड उसमें बहुत सारी चीजें कैसा होती नहीं थी, इट इट वॉज नॉट दैट फ्लेक्सिबल. बट जावास्क्रिप्ट ऑन द अदर हैंड इट वॉज लाइक एंड्रॉयड उस समय का, और वीबी स्क्रिप्ट वॉज लाइक ब्लैकबेरी. ठीक, तो वो कंप्लीटली ऑब्सोलीट हो गया एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट. एंड आज की डेट में 2015 के बाद उसमें इतने सारे डेवलपमेंट किए गए कि जावास्क्रिप्ट का यूज करके आज की डेट में आप फ्रंट एंड भी बना सकते हो, आप बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए नोड जेएस का यूज कर सकते हो, बहुत सारे मॉड्यूल्स भी बना सकते हैं उसी का यूज करके, आप स्क्रिप्टिंग भी लिख सकते हो सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग जैसे बोलते हैं ना, जैसे फाइल्स वगैरह मैनेज करना, डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना, वो सब कुछ आप नोड जेएस से कर सकते हो. एंड थर्ड, एक जेसन फॉर्मेट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है, तो उसके यूज से आप डेटाबेस भी बना सकते हो, कंप्लीटली जेसन बेस्ड डेटाबेस. ठीक, उसी को मतलब एडवांस नेम यू कैन से मोंगोडीबी. ठीक है, मोंगोडीबी इंजन में जेसन फॉर्मेट में डेटा जाता है और एक्चुअली वो जो स्टोर होता है उसको बेसन बोलते हैं वो लोग. ठीक है, पकोड़े वाला बेसन नहीं, इट इज बाइनरी जेसन. ठीक है, तो कोई भी डेटा अगर आप मोंगोडीबी में स्टोर करते हो, आप लोगों ने शायद देखा होगा जब भी हम एटलास क्लाउड पे डेटा स्टोर करते हैं तब वो बेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है. एटलास क्लाउड इज अ फ्री क्लाउड सर्विस,
जिसमें 500 GB का आप MongoDB का डेटाबेस बना सकते हैं, 500 MB का, ठीक है, MongoDB का डेटाबेस। और वहां पे स्टोर होता है डेटा किस फॉर्मेट में, बेसन फॉर्मेट में, मतलब वो दिखने में जेसन जैसा रहता है लेकिन फाइल सिस्टम में वो बेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है, ठीक। तो इतनी सारी चीजें आज की डेट में जावास्क्रिप्ट से हम कर सकते हैं। टाइपस्क्रिप्ट एक तरह से बोल सकते हो आप कि एक रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट के अंदर ही, जहां पे आप .js की जगह .ts से फाइल स्टोर कर सकते हो एंड वेरिएबल्स वगैरह जो रहते हैं ना वो आप क्रिएट कर सकते हो वहां पर, उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो किसी भी यूजर को कि आप इंटीजर ही यूज करना चाहिए यहाँ पर, आपने जेसन ही यूज करना चाहिए, आपने एरे ही यूज करना चाहिए, जैसे जावा में होता है, आपने देखा होगा सी लैंग्वेज में इंटीजर सी वगैरह ऐसा होता है, ठीक है, आप वहां पे इंटरफेसेस वगैरह बना सकते हो। तो रूल बेस्ड कैसा, आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो यूजर को कि आप अगर कोई फंक्शन में वैल्यू पास कर रहे हो तो वो स्ट्रिंग ही पास होनी चाहिए, तभी वो कंपाइल होके आपका JS फाइल बनाता है, ठीक है, मतलब TS फाइल इवेंचुअली कंपाइल होने के बाद उसका कंपाइलर आता है TSC कंपाइलर, तो वो JS में कन्वर्ट होता है। वैसे JS फाइल के लिए कोई कंपाइलर नहीं है, बट आप ऐसा कोड लिख सकते हो, TS फाइल में स्टोर कर सकते हो उसको, और उसको कंपाइल करके चेक कर सकते हो कि जो आपने जावास्क्रिप्ट लिखा वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो दैट इज अ TS। ECMAScript, फाइनली ECMAScript इज अ स्टैंडर्ड जो कि शुभांगी गावाचे तुम्हार तुमचा माइक म्यूट करून ठेव, फुसफुस फुसफुस होता, ठीक। सो फाइनली ECMAScript जैसे कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है तो कैसा एक रूल सेट करते हैं हम, आप फॉलो करो ना करो बट एक स्टैंडर्ड है उसमें, ठीक। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट ने क्या किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बना दी लेकिन कुछ स्टैंडर्ड उसने एक्सेप्ट किए, वो कहाँ से एक्सेप्ट किए, ECMAScript से, ठीक है। ECMAScript इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सिर्फ स्टैंडर्ड बनाती है, उसको सी लैंग्वेज भी एक्सेप्ट कर सकता है, उसको जावा भी एक्सेप्ट कर सकता है, उसको पाइथन भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक। जैसे जावा ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट किए, ठीक। तो सारे के सारे ऊप्स के जो कंसेप्ट है, मोस्ट ऑफ द ऊप्स कंसेप्ट आर अवेलेबल इन जावा, ठीक है। तो वैसे ही कुछ स्टैंडर्ड ECMAScript ने बना के रखे, वो किसने एक्सेप्ट करके रखे, जावास्क्रिप्ट ने। ECMAScript का जस्ट थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, ये सिस्टम काफी गर्म हो रहा है यार, ओके। तो यहां पर क्या लिखा है, ECMAScript इज अ JavaScript standard meant to ensure the interoperability of web pages across different web browsers. It is standardized by ECMA International according to the document of ECMA 262. ठीक, तो ये एक स्टैंडर्ड है, कितने साल से, 25 साल से, ठीक है, 25 साल से चार मीनार पे बैठा है, ठीक। सो इट्स अ स्टैंडर्ड, ठीक, ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जस्ट मेक श्योर करता है कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, ठीक, वो सभी के सभी ब्राउजर इंजन पे, ठीक है, अलग अलग ब्राउजर से मार्केट में, आपको पता है इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी एब्सोल्यूट हो गया, बट उसका ब्राउजर इंजन सेपरेट था जहां पे कोड रन होते थे, ठीक। फिर माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ डिफरेंट ब्राउजर, उसका भी ब्राउजर इंजन डिफरेंट है, बट माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम इन दोनों का ब्राउजर इंजन सेम है, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट एज आज के डेट में जो आता है डिफॉल्ट लेटेस्ट जो विंडोज के वर्जन में, उसका ब्राउजर इंजन और क्रोम का ब्राउजर इंजन सेम है, तो आप अगर कोई एक्सटेंशन बना रहे हो ना क्रोम के लिए तो सेम एक्सटेंशन आपके एज में भी चल जाएगा, ठीक। जैसे कि ये एक एक्सटेंशन है यहाँ पर, ये वेपलाइजर एक्सटेंशन, जो क्या बताता है वेपलाइजर एक्सटेंशन कि कौन सी टेक्नोलॉजी में आपका ये पेज बना हुआ है, अगर सिक्योर नहीं किया है उसको तो गूगल के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी बताई है उसने, पाइथन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई है, तो मोस्ट ऑफ द कोड गूगल का पाइथन में लिखा हुआ है, फ्रंट एंड उसका एंगुलर में लिखा हुआ है, मोस्टली अभी एंगुलर में ही बनाते हैं गूगल वाले, ठीक, क्योंकि एंगुलर इज अ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय गूगल, ठीक, गूगल का ही है। तो अगर हमें अभी जावास्क्रिप्ट का अगर कोड रन करना है तो ब्राउजर इंजन ने उसको सपोर्ट करना चाहिए, ये मेक श्योर कौन करता है, ECMAScript वाले देखते हैं उसे।
अब और जावास्क्रिप्ट वाले अपना डेवलपमेंट करते रहते हैं, ठीक, कुछ भी अगर गड़बड़ हो गई तो एक मास्क्रिप्ट उनको बता देगा कि ये भाई तुम्हारा क्रोम में चल रहा है, फायरफॉक्स में नहीं चल रहा। फायरफॉक्स का जो ब्राउजर इंजन है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक, वो क्रोम से मैच नहीं करता, वो अलग तरीके से चलता है। कुछ चीजें ऐसा हो सकता है कि फायरफॉक्स पे चले और उस पे ना चले, ऐसा हो सकता है बस, ठीक। ये शायद W3 स्कूल्स में ऐसा शो करते हैं, W3 स्कूल्स में ऐसा शो करते हैं बहुत बार कि कौन सी चीज कहाँ पे चलती है, ये वाला चीज है इसमें ऐसा। मैं जस्ट चेक करता हूँ, ये देखो ये प्रॉपर्टीज दिए हुए और ये कौन कौन से ब्राउजर में एक्सेप्टेबल है या नहीं है ऐसा बताता है, क्योंकि ब्राउजर पे तीन चीजें तो चलती है, कौन कौन सी, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, लेकिन उसमें से भी कौन सी चीज कौन से ब्राउजर में चलेगी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है किस पे, ब्राउजर इंजन पे, ठीक। और जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो फ्रंट एंड पे हमेशा एग्जीक्यूट होती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जस्ट चेक करना है कि सारी चीजें बराबर चले। कुछ चीजें नहीं चलती, एक्चुअली नहीं चलती। अभी ये देखो, ये शायद इसमें नहीं चलता है, बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक जो है वो इन दोनों पे चल जाता है और इनमें शायद नहीं चलता, तो ऐसा चीज है गाइस। तो जो टेस्टर रहते हैं ना, सॉफ्टवेयर टेस्टर, वो लोग मेक श्योर करते हैं कि मेरे सिस्टम में जो चीज चल रही है अभी, ठीक, डेवलप करने के बाद मेरे सिस्टम में तो फायरफॉक्स ही इंस्टॉल्ड है, जनरली लिनक्स में फायरफॉक्स इंस्टॉल रहता है। तो टेस्टर का काम है, टेस्टर जाके क्या करता है, दूसरे सिस्टम पे भी जाके चेक करता है, क्रोम में चेक करता है, हार्डवेयर के साथ भी चेक करता है कि विंडोज के क्रोम में कैसा चल रहा है, लिनक्स के क्रोम में कैसा चल रहा है, वो सारी चीजें भी वो मेक श्योर करता है कि सब जगह वो कंसिस्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें नहीं चल रही है, जावास्क्रिप्ट की कुछ चीजें उस ब्राउजर पे नहीं चल रही है, तो वहां पे ब्राउजर ही एरर शो कर देता है, ब्राउजर ही एरर शो कर देता है। बट अगर वैसा एरर यूजर को समझ में ना आए तो हमें हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने क्रोम में ओपन किया है तो आपको बताना पड़ेगा, IRCTC की वेबसाइट पे आता है ना, दिस साइट इज बेस्ट, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ डिस्क्लेमर वगैरह डालते हैं, आई एम नॉट श्योर इसमें है क्या, कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है क्या ब्राउजर, ऐसा बहुत सारे वेबसाइट्स में डिस्क्लेमर आता है कि दिस साइट इज बेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, कंपेटेबल विथ फ्यू ब्राउजर के नाम, ठीक है। और एक फन फैक्ट है, मतलब कि कोई भी चीज अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चल जाती है ना तो वो सभी ब्राउजर पे चल जाएगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द टफेस्ट ब्राउजर डेवलपर्स के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्रोम इंस्टॉल नहीं करते ऊपर से। बैंक्स वगैरह में जाते हैं आप, बैंक्स के एप्लीकेशंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहते हैं, विंडोज जैसा आता है वैसा ही रखते वो, और वहां पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही उनको बोलते हैं कि आपको रन करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक के एप्लीकेशन ये भी होते हैं कि वो चेंज नहीं करते फ्रिक्वेंटली। तो अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 8 के लिए बनी है ना वेबसाइट, तो उनको वही यूज करना पड़ता है, काम पे ज्यादा ध्यान देना है इंस्टेड ऑफ दैट कि टेक्नोलॉजी कौन सा वर्जन पे चल रही है। तो ऐसा होता है, ठीक। अभी ब्राउजर इंजन के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ गया आपको, ECMAScript क्या है, जावा क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, टाइपस्क्रिप्ट आपको जब एंगुलर रहेगा तब इन डेप्थ बताया जाएगा, ठीक। वहां पे TS फाइल ही बनानी पड़ती है और वो कंपाइल होके JS फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। सो नाउ वी विल स्टार्ट एक्चुअल कोडिंग।
यहां पर हेलो वर्ल्ड इन क्रोम कंसोल सबसे बेस्ट टूल है, क्रोम का F12 या फिर फायरफॉक्स का F12 अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको कंसोल मिल जाता है। आप यहाँ पर ही डिबगिंग अपना कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी कोड का डिबगिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखो कलर वगैरह भी डिफरेंट शो कर रहा है यहाँ पर, जैसा है एरर वगैरह उसके हिसाब से, ठीक। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई भी चीज अगर रन करनी है तो आई कैन सिंपली से हेलो वर्ल्ड, ठीक। ठीक तो यहां पर F12 प्रेस करने पर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहां पर कोड लिख सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को आफ्टर ग्रेजुएशन भी पता नहीं रहता कि F12 से हम डीबगिंग या फिर हैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे डेवलपर्स को नहीं पता रहता। मेरी एक लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हुआ था, बट शी वॉज लाइक अरे ये सब भी कर सकते हैं, जब उसका मैंने डेमो सेशन लिया था, एंड वो सरप्राइज हो गई। उसके बाद तो उसने मतलब कभी भी मतलब ऐसा पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो बोले कि सर मुझे और बताओ और बताओ और क्या क्या होता है इसमें, ठीक। एंड एक्चुअली उसका अभी सैलरी भी काफी अच्छा चला गया, 1 साल में 40 तक पहुंच गए। कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम अगर कोई मैसेज प्रिंट कर रहे हैं तो उस मैसेज को मैं कलर भी दे सकता हूँ, ठीक। कलर लेट्स से रेड, ओके, इसको एंटर किया, अभी तो ब्लैक ही शो कर रहे हैं, बट आपको एक फ्लैग डालना पड़ता है CSS का, वो इस तरह से आप डाल देंगे तो आपको वो कलर में दिखेगा। ठीक है, देखा पहले वाला जो है वो आउटपुट एंड सेकंड वाला आउटपुट, ठीक है। तो कोई अगर आपको एरर जस्ट शो करना है ब्राउजर के ऊपर तो यू कैन शो लाइक दिस। अब कंसोल डॉट लॉग फंक्शन एक्चुअली करता क्या है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग फंक्शन ब्राउजर पे डेवलपर्स के लिए ऐसा एक चीज है जो डीबग करने के काम आता है, मतलब कोई वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको शो करनी है। जनरली प्रिंट स्टेटमेंट जो होता है वो आपको क्या करने के लिए यूज होता है, डीबगिंग करने के लिए, आप कोई भी अगर कोड लिख रहे हो उसका डीबग करने के लिए यूज होता है, ठीक। वैसे ही अलर्ट नाम का भी एक फंक्शन अवेलेबल है जिससे आप डीबगिंग कर सकते हो। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया 5 और कंसोल डॉट लॉग किया, यहां पर एक्स की वैल्यू जस्ट मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या आती है, तो 5 वहां पे शो कर रहा है। वैसे ही मैं इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू यूजर को भी शो कर सकता हूं, इफ आई वॉन्ट आई कैन शो इट टू यूजर एज वेल, तो ऐसे आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो पॉपअप आता है ये पॉपअप ब्राउजर के हिसाब से, जैसे जैसे ब्राउजर है, इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट एज पे शायद वो सेंटर में दिखाई दे, फायरफॉक्स में अलग दिखाई दे, इसमें टॉप पे दिखाई देता है क्रोम पे। तो ये आप यूजर को ऐसे वैलिडेशन के मैसेज वगैरह शो करने हैं, ठीक है। लेट से कुछ अगर आउटपुट आ रहा है तो वो आउटपुट का एक रिजल्ट है जो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाना है, बस पॉपअप में दिखाना है एक बार, जैसे कि नोटिफिकेशन कि फलाना रिकॉर्ड ऐड हो गया है, ओके, ठीक है, फलाना रिकॉर्ड डिलीट करना है क्या, ओके, या फिर कैंसल, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, ऐसे पॉपअप शो कर सकते हो, ठीक। कंसोल डॉट ट्रेस फंक्शन थोड़ा मोर डिटेल्स आपको शो करता है, ठीक। एक फंक्शन है समझ लो जो कॉल हो रहा है कहीं से, तो भी आपके सिस्टम के अंदर 1000 फाइल्स है, ठीक, आपके सिस्टम के अंदर अभी 1000 फाइल्स है, एक प्रोजेक्ट है उसमें 1000 फाइल्स है, 1000 फाइल्स में से शायद 100 फाइल्स में एक फंक्शन कॉल हो रहा है, बट वो पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होने की वजह से कहीं तो भी ब्रेक हो रहा है और F12 प्रेस करके आपको पता चल रहा है कि उस फंक्शन में एरर है, बट वो फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, ये चीज अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो फंक्शन के अंदर आपको लिख देना है कंसोल डॉट ट्रेस। क्या लिखना है, कंसोल डॉट ट्रेस, वो आपको डिटेल में बताएगा कि किस पर्टिकुलर लाइन पे ये कॉल हो रहा है और आपको वहां पे अगर डिबग करना है तो जाके कर सकते हैं, ठीक। तो कंसोल डॉट ट्रेस मतलब इसको हम ट्रेसिंग बोलते हैं, जैसे पुलिस वाले करते हैं ट्रेस वैसे। तो यहाँ पे डाल देता हूं मैं, या आप किसी भी फंक्शन में जाके कंसोल डॉट ट्रेस कर सकते हैं, वो आपको मोर डिटेल दिखाएगा,
ठीक है, यहाँ पर 36 नंबर लाइन मतलब वर्चुअल मशीन ऐसा, तो ये यहां पर ही शो कर रहे हैं। बट अगर मैं कोई फंक्शन लिख देता हूं, लेट्स से फंक्शन टेस्ट, और कहीं पे कॉल कर दिया मैंने वो फंक्शन, तो वो डिटेल शो करता है किस पर्टिकुलर में कहां पर नहीं क्या वो कॉल हो रहा है। ठीक है, टेस्ट फंक्शन ये वाली लाइन, ठीक ये वाली लाइन से वो आ रहा है। ठीक, ऐसे आप थोड़ी मोर डिटेल्स अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो यू कैन डू दिस, कंसोल डॉट ट्रेस फंक्शन यूज कर सकते हो। बट इन जनरल आपका कंसोल डॉट लॉग से काम हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कंसोल डॉट ट्रेस रेयर केसेस में यूज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक, उसके बाद आता है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो टू डेटा टाइप्स हमेशा याद रखना, फिर बाद में सारे मॉडिफाइड या फिर क्या बोल सकते हैं एडवांस डेटा टाइप्स होते हैं, बट टू सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है, एक तो नंबर आपका और दूसरा होता है स्ट्रिंग। ठीक है, तो नंबर अगर आपको कहीं पे भी अगर स्टोर करना है तो ऑब्वियसली आप ऐसे स्टोर करके रख सकते हो। ठीक, और स्ट्रिंग अगर आपको स्टोर करके रखना है तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मेट में डबल कोट में स्टोर करके रख सकते हो। ठीक, स्ट्रिंग का आउटपुट भी देख सकते हो आप, सिंगल कोट में शो कर रहा है वो, और नंबर का आउटपुट आपको किसमें स्टोर कर रहा है, एक फंक्शन है शायद टाइप ऑफ एक्स, तो वो नंबर शो कर रहा है, एंड वैसे ही टाइप ऑफ वाई स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये दो डेटा टाइप्स आप थोड़ा ध्यान रखना। एडवांस में अगर देखा जाए तो एडवांस में एक डेटा टाइप हो सकता है आपका लेट से ए आर आर इक्वल्स टू, एक लिस्ट है, ठीक 1 2 3 4, ठीक तो टाइप ऑफ ए आर आर अगर लिखता हूं मैं तो एक ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एडवांस डेटा टाइप में हो सकता है कि जैसे जेसन वगैरह हो गया, तो वो सारी चीजें किसमें ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, वेरिएबल स्टोर करने का तरीका सेम वही है जो थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में गावंडे सर ने सिखाया था, आपको किसी मैम ने सिखाया होगा, बोधमारे मैम किसने सिखाया था, तो मैथमेटिक्स जिसने सिखाया था वो सेम तरीका है यहाँ पर, जैसे कि x इक्वल्स टू सम वैल्यू, लेट y इक्वल्स टू सम वैल्यू, सेम वही चीज यहाँ पर वेरिएबल्स के लिए डिफाइन होता है। बट वेरिएबल्स अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर सीख रहा है तो वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है वो चीज में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं यहां पर। ठीक, वेब वाइट जूम में भी वाइट बोर्ड आता है ना, चेक कर दे, बाद में कभी देखते, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि रैम में क्या हो रहा है ये चीज समझना जरूरी है गाइस, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों का कंप्यूटर इंडस्ट्री में थोड़ा रहना, क्योंकि रैम में चीजें क्या चलती है अगर ये क्लियर हो गया तो आप बन गए कंप्यूटर इंडस्ट्री के नियो। मैट्रिक्स मूवी देखिए, लेटेस्ट वाला नहीं पहला, उसमें नियो को कैसे वो सिग्नल दिखते हैं वैसा हो जाएगा। कभी भी सिस्टम के अंदर रैम जो होती है उसमें अलग अलग मेमोरी सेक्शंस होते हैं। ठीक है, जनरली उसको हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, जनरली थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं मेमोरी सेक्शंस को रैम के अंदर, और ये स्टार्टिंग में बहुत ध्यान देना पड़ता था जब आप सी लैंग्वेज के कोड लिखते थे ना, क्योंकि मेमोरी बहुत छोटी होती थी। आपके सी लैंग्वेज के कोड आज भी अगर किसी भी सिग्नल पे जाओगे ना, तो जो सिग्नल पे नंबर्स काउंटडाउन आता है ना, वो सी लैंग्वेज में लिखा होगा। ठीक है, एम्बेडेड सी वगैरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक हमारे स्टूडेंट है जो नाम है चैताली मोरे,
यही नागपुर की ही है। आपको अगर सी लैंग्वेज का, एम्बेडेड सी का कुछ भी अगर सीखना है तो उससे आप सीख सकते हो। लास्ट ईयर के बैच में थी वो, अभी शायद लारावेल पे काम कर रही है, बट उसका काफ़ी अच्छा है सी लैंग्वेज, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ये मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह। तो स्टैटिक, फिर बाद में आता है आपका हीप मेमोरी, और फिर आता है स्टैक मेमोरी। ठीक है, तो ऐसे थ्री डिफरेंट सेक्शंस में आपका वेरिएबल स्टोर होते हैं, वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फंक्शंस कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं गाइस, स्टैक मेमोरी में। और स्टैक मेमोरी में क्या होता है कि वो स्टैक में जाएगा और वन बाय वन स्टोर होते रहेगा और वन बाय वन निकलते रहेगा। ठीक है, स्टैक इज नथिंग बट कौन सा एल्गोरिदम यूज करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि सीडी का स्टैक होता है। शादी में जाने के बाद शादी, ठीक है, खाना, ठीक है, शादी में जाने के बाद खाने के लिए जाते हैं तो वो प्लेट्स रखे रहते हैं, वो क्या होता है स्टैक। तो सबसे नीचे की प्लेट निकालते हैं क्या हम, नहीं, ऊपर की प्लेट निकालते हैं, दैट इज नथिंग बट स्टैक। ठीक, किसी का है क्या रिसेंटली शादी का, ठीक। सो स्टैटिक मेमोरी एक ऐसा सेक्शन होता है रैम के अंदर जिसमें पब्लिकली कोई चीज एक बार अगर इनिशियलाइज हो गई तो वो हमेशा के लिए इनिशियलाइज होती है और बाद में मॉडिफाई होती है, वो बार बार इनिशियलाइज नहीं होती है। ठीक है, वो बार बार इनिशियलाइज नहीं होती है, एक बार इनिशियलाइज होगी इनिट वंस, तो वो बार बार इनिशियलाइज नहीं होती, तो उस मेमोरी सेक्शन को बोलते हैं स्टैटिक। थर्ड वन हीप, अगर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कभी भी बनते हैं तो हमेशा हीप मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं। क्लियर है गाइस, ये तीन सेक्शन में हमेशा डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर होते हैं। ठीक, बट अगर अभी हम जनरली अगर देखा जाए ये सेक्शंस को छोड़ के कि रैम में कैसे क्या हमारा डेटा स्टोर होता है, तो एक्स नाम का ऐसा एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा बॉक्स, और उसको एक मेमोरी भी रहेगी, ठीक है, मेमोरी एड्रेस, ठीक है, एक एड्रेस रहेगा लेट्स से 10243, और उस एड्रेस में जाके एक्चुअली वैल्यू स्टोर होती है। तो ये नाम क्यों जरूरी है, ठीक है, नाम क्यों जरूरी है, क्या तुम कोऑर्डिनेट्स याद रख पाते हो, नहीं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स कोई याद नहीं रख पाता। सेकंड, क्या पूरा एड्रेस नोट मतलब याद रख पाते हो, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमें। कैसा, यहाँ पर अगर पहुंचना है तो मैं सोनारिया हाउस विद्यानगर में वो बोर्ड देखकर ऐसा ऐसा करके यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है, तो सोनारिया हाउस नाम से काफी आसान हो जाता है। कोई नंबर किसी को याद रहता है, नहीं, हम नेम को क्या करते हैं, मैप करते हैं किसी नंबर के साथ, तो यहाँ पर भी एड्रेसेस होते हैं लेकिन उसको हम याद नहीं रख पाएंगे, इसीलिए हमने अपने कन्वीनियंस के लिए क्या दिया है, वेरिएबल बनाया है। और वेरिएबल का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, क्या है, एग्जैक्टली, ठीक है, विच इज एबल टू वैरी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वैरी हो सकती है, इसलिए उसको वेरिएबल, ठीक है, वो विच इज कैपेबल टू चेंज इट्स वैल्यू, वेरिएबल, वेरी वेरी कर सकता है। ठीक, तो एक्स इक्वल्स टू 5 दिया, मैं थोड़ी देर में एक्स इक्वल्स टू 15 दे सकता हूँ या 50 कर सकता हूँ, राइट, तो ऐसे वैल्यूज चेंज होते हैं। ठीक, अब दूसरा जो वैल्यू है वो वैल्यू कहीं पर भी जाके स्टोर हो सकता है गाइस, ठीक है, जैसे पहले के टाइम पे खेत होते हैं, राइट, ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, ठीक, तो वैसे ही ये वेरिएबल जब आप बना रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो साइड बाय साइड ही स्टोर हो, सेशन चालू है, नहीं थे, चल रे, ओके, सो विच इज एबल टू वेरी, और ये कहीं पर भी जाके स्टोर हो सकता है रैम के अंदर। रैम में 2 GB रैम, 8 GB रैम तक होती है, तो एक शायद ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट KB में जाके स्टोर हो रहा है, एक हो सकता है लास्ट KB में जाके स्टोर हो रहा है, ठीक, तो ये कहीं पर भी जाके स्टोर हो सकता है, यहाँ पे लेट्स से ले लेते हैं 60 वाले, ठीक,
बट उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो एड्रेस से एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम वेरिएबल के नाम से एक्सेस करते हैं। ठीक, अब ये वेरिएबल्स के ऊपर आपको जो चाहे वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, यहां पर आते हैं, x इक्वल्स टू 5 देते हैं, y इक्वल्स टू 6 एंड देन x प्लस y करते हैं तो वो मुझे एडिशन दे देगा, x इंटू y दे देगा तो वो मुझे मल्टीप्लीकेशन दे देगा। ठीक, क्लियर है गाइस? इतना तो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज। अब लेट से मुझे स्ट्रिंग और वेरिएबल को क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है। ठीक है, स्ट्रिंग और वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करना है। कॉन्केटिनेट करना मतलब जोड़ना, ठीक है, उसको ज्वाइन करना या फिर जोड़ना। मैं यहां पर क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग एंड आई विल राइट समथिंग लाइक एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड। ठीक, ये शो कर रहा है। अब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए वहां पर, x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहां पर x कॉन्केटिनेशन सिंबल जो जावास्क्रिप्ट में बनाया गया है उसको प्लस सिंबल यूज करते हैं कॉन्केटिनेशन के। लास्ट में मुझे इन दोनों के एडिशन चाहिए तो x प्लस y एंड फाइनली यहां पर मुझे y की जगह y की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले तो बीच में है इसलिए कॉन्केटिनेशन सिंबल दो बार देना, ठीक, प्लस सिंबल। और स्ट्रिंग के लिए अगर आपने सिंगल कोट दिया है तो सिंगल कोट दो बार, डबल कोट दिया है तो डबल कोट दो बार और उसके अंदर फिर प्लस प्लस सिंबल रख के फिर वाई रख। तो ये ऐसे आपका आउटपुट शो होगा, ये डायनेमिकली आउटपुट है। मतलब अगर मैं अगर वाई की वैल्यू चेंज करता हूं तो ये आउटपुट मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, डायनेमिक, ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन कॉन्केटिनेट। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, कितने प्लस सिंबल डालने हैं, कहां दो प्लस डालने हैं, कहां सिंगल प्लस डालना है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी लैंग्वेज, इनमें है ना एक एक्स्ट्रा चीज दी हुई है कि आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? तो यहां पर जावास्क्रिप्ट में उस चीज को बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। यहां पर आप टॉपिक के नाम भी देखोगे, इट्स कॉल्ड टेम्पलेट लिटरल्स। और टर्मिनोलॉजी यूज करना, जब भी किसी को आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो सो यूज टर्मिनोलॉजी कि टेम्पलेट लिटरल यूज कर भाई वहां पर, ऐसे नहीं अरे वो ऐसा ऐसा यूज कर, तो क्या है ऐसे ऐसे, क्या ऐसा ऐसा नहीं बताना। ठीक है, क्या बोलना उसको, इसको टेम्पलेट लिटरल बोलते हैं, बैकपोर्ट डाल उसको टेम्पलेट लिटरल। एंड देन एक्स की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो उसको मैं डॉलर एंड कर्ली ब्रेस के अंदर ले लूंगा, डॉलर एंड कर्ली ब्रेस के अंदर। वैसे ही अगर कोई एक्सप्रेशन भी है, एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला भी है, तो वो भी मैं डॉलर और कर्ली ब्रेस के अंदर रख सकता हूं। गेटिंग इट गाइस? So that's how you can show the output. और सबसे पहले मैंने हार्ड कोडेड ही आउटपुट शो किया था, उसके बाद उसको डायनेमिक किया। सो ऑलवेज डू प्रैक्टिस दिस कि सबसे पहले हार्ड कोडेड करो, पहले हार्ड कोडेड करो फिर डायनेमिक करो। ओके, हमेशा याद रखना ये चीज, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा आपको कोडिंग सीखने के लिए या फिर आपके प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर अभी भी ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स है जो इतना एक्सपर्ट समझते हैं अपने आप को कि पहले दिन से ही डायनेमिक करना चालू करते हैं और फिर वो लोग फंस जाते हैं। ठीक है, वो लोग फंस जाते हैं कोडिंग करते हुए, वो लोग बोलते हैं कि आ ही नहीं रहा आउटपुट, आउटपुट ही नहीं आ रहा। उनको मैं इंसर्ट का कोड लिखने बोलता हूँ और बोलता हूँ कि इंसर्ट का कोड डायनेमिक वाला एग्जीक्यूट करके देखो, सॉरी हार्ड कोडेड पहले एग्जीक्यूट करके देखो, तो बोलते नहीं सर वहां तक वैल्यू तो आ रही है, ऐड ही नहीं हो रहा है रिकॉर्ड। ऐसा बहुत सारे डेवलपर्स के साथ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले आप हार्ड कोडेड क्वेरी रन करके देखो, अगर वो होता है उसको एक एक करके फिर डायनेमिक में कन्वर्ट करो। मुझे 15 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी में, कोडिंग में, और स्टिल मैं आज भी हार्ड कोडेड का कोड पहले लिखता हूँ, उसके बाद ही उसको डायनेमिक करता हूँ। 5 से 10 मिनट में रिजोल्यूशन निकल जाता है। बट कुछ मैंने ऐसे डेवलपर देखे जिनको 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, दो दो तीन तीन दिन तक फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली डायनेमिक करना चाहते हैं। कोई हो सकता है गाइस एक्सपर्ट कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डायनेमिक कर दे कोडिंग को, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे डेवलपर्स है जो बहुत गुस्सा हो जाते अगर किसी ने भी डायरेक्ट डायनेमिक करने की कोशिश की ना, तो वो लोग चिढ़ जाते, वो लोग बोलते टपली देकर कि पहले डायनेमिक मत कर, पहले हार्ड कोडेड कर। ऐसे कुछ डेवलपर्स है जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, वन ऑफ द डेवलपर आपके सामने बैठे, ठीक, वो भी चिल्लाती है
अगर आपने पहले ही अगर डायनेमिक किया तो वो चिल्ला देगी। एक दूसरा अर्पित नाम का बंदा था, उस सी लैंग्वेज ही सीखने आया था, लेकिन वो बहुत चिल्लाता था। अगर किसी ने अगर डायरेक्ट डायनेमिक किया ना तो बताता ही नहीं था, जब मैं नहीं हेल्प करता वो। ठीक, तो द थिंग इज कि हार्ड कोडेड करो, आउटपुट प्रॉपरली आ रहा है, देन उसको डायनेमिक में कन्वर्ट करो। ठीक, आपने पाइथन में ये चीज एक्सपीरियंस किया है ना, जैसे एक्स इक्वल्स टू फाइव लिखते थे, अगर फाइव से आंसर आ रहा है तो फिर उसको कन्वर्ट करके डायनेमिक में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ इंट इनपुट देना पड़ता है। ठीक, वैसे डायनेमिक करना। आउटपुट में अगर आपको ऐसा दिखाना है स्क्वेयर ऑफ फाइव इज 25, तो एज इट इज स्क्वेयर ऑफ फाइव 25 ऐसा शो कर दो, बाद में वो फाइव और 25 को रिप्लेस करो डायनेमिक वैल्यू से। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू शुड कोड। टेम्पलेट डिटेल्स का आइडिया आ गया गाइस, एंड कॉन्कैटिनेशन का। अब नेक्स्ट थिंग है एक्स, वेयर एक्स एंड लेट एक्स का क्या मीनिंग है। ठीक है, ये तीन अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स आप डिफाइन कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये सेम चीज आपके टाइपस्क्रिप्ट रिएक्ट में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाए या फिर आपको अगर यूज भी करना है ये चीज, तो हमेशा स्कोप ध्यान में रखना। क्या स्कोप या फिर विजिबिलिटी। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर रणछोड़ दास के लैंग्वेज में बोला जाए तो विजिबिलिटी। ठीक है, उसका विजिबिलिटी कहां तक है। ठीक, तो वेयर एक्स इज लाइक ये वाला रूम पब्लिक। ठीक है, इट्स लाइक अ पब्लिक रूम, ये वेयर एक्स के जैसा है। ठीक, लेटेक्स इज लाइक ओयो का रूम। ठीक है, यू ऑल आर एडल्ट्स राइट, मतलब समझ से हो, सो इट्स लाइक ओयो का रूम। लेटेक्स मतलब, और एक्स मतलब जूहू चौपाटी या फिर अपना कोई भी पब्लिक प्लेस, अपना ये फुटाला लेक वगैरह ऐसा समझ लो। सो इट्स लाइक वेरी पब्लिक। ठीक, और वेरेक्स का स्कोप थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, जहां पे सब लोगों को नहीं दिखेगा बट कुछ लोग देख पाएंगे। एंड थर्ड वन इज लेटेक्स, मतलब बहुत ही छोटा स्कोप, वो किसी एक छोटे से ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, उसके बाहर उसकी विजिबिलिटी नहीं रहेगी गाइस। समझे, तो ये तीन चीजें कब और कहाँ कैसे यूज करना चाहिए ये चीज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं फॉर लूप यहीं पर एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर लूप में अगर आपको कोई चीज अगर यूज करनी है, कोई वेरिएबल अगर आपको फॉर लूप में यूज करना है, तो आप उसको एक्स दे सकते हो। ठीक, एक्स दे सकते हो, एक्स इक्वल्स टू लेट से 1, एक्स लेस देन 5, एक्स प्लस प्लस, और यहां पर कंसोल डॉट लॉग एक्स। ठीक, तो एक्स का स्कोप तो बहुत ही बड़ा है भाई, है ना, पब्लिक स्कोप है इसका। तो मैं अगर एंटर कर देता हूं तो एक्स की वैल्यू वो 1 से लेकर 4 तक प्रिंट कर रहा है, बट अगर मैं यहां पर इसके बाहर आके भी अगर एक्स की वैल्यू प्रिंट करने का देखता हूं, तो देखो वो 5 शो कर रहा है, क्योंकि 5 पे जाने के बाद ही क्या हुआ, वो कंडीशन फेल हुई है ना। एक्स प्लस प्लस, देखो एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, 1 लेस देन 5 है क्या, है, तो उसने प्रिंट किया 1, लेस देन फिर 2 आएगा, प्लस प्लस करने के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 4 भी लेस देन 5 है क्या, तो प्रिंट कर दिया। फिर एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 होने के बाद चेक करेगा 5 लेस देन 5 है क्या, नहीं, लूप के बाहर आ जाएगा। बट एक्स एक्सपायर हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि एक्स का स्कोप सबसे ज्यादा है, उसकी विजिबिलिटी फुटाला लग जैसे, सब लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है। ठीक, सेकंड, वेयर वाई वाई वाई, और यहां पर भी यहाँ पर वैल्यूज थोड़े बढ़ा देते हैं 10 तक मात्र। तो ये वाई के लिए, मतलब वेयर अगर यूज किया तो उसका स्कोप मीडियम स्कोप है, और ये भी ट्राई करके देखते हैं कंसोल डॉट लॉग वाई अवेलेबल है या नहीं। तो वाई इज ऑल्सो अवेलेबल, बट फिर यूज कहाँ करें सर हम वेयर। जनरली वेयर आप फंक्शन के अंदर यूज करें। ठीक है, फंक्शन के अंदर आप कोई भी वेरिएबल बना रहे हो तो उसको वैर रखो, वो फंक्शन स्कोप तक एटलीस्ट अवेलेबल रहना चाहिए। मतलब तो फंक्शन के अंदर आपने फॉर लूप यूज किया, वहां पे भी वो अवेलेबल रहना चाहिए। फंक्शन के अंदर आपने लेट से एक कॉल बैक फंक्शन, एक एसोसिएटिव फंक्शन बोलते हैं जिसको,
उसके अंदर यूज किया तो भी वो अवेलेबल होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करना, वेर कीवर्ड के साथ कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। ठीक, फाइनली आता है और जो नॉर्मल एक्स है, ठीक है, नॉर्मल एक्स कैसा पूरा फाइल है, जावास्क्रिप्ट का एक फाइल है, उसके टॉप में अगर कोई वेरिएबल अगर डिफाइन करना है तो उसको एक्स इक्वल्स टू दे दीजिए, ठीक है, कॉलेज नेम इक्वल्स टू CIA, तो वो कॉलेज नेम पूरे फाइल में हर जगह आप यूज कर सकते हो क्योंकि उसका स्कोप काफी बड़ा हो जाएगा, विजिबिलिटी। ठीक, और किसी फंक्शन के अंदर कोई चीज यूज करनी है तो उसको वेर से दे दो, फंक्शन के बाहर वो कभी भी एक्सेसिबल नहीं है, कंसोल डॉट लॉग करेंगे वो अनडिफाइंड वगैरह बना। ठीक, फाइनली अभी बचा है एक लेट, ठीक है, अब लेट वाला जो पार्ट है वो कैसे क्या यूज करना, तो आप लेट का स्कोप तो कर्ली ब्रेस से कर्ली ब्रेस तक ही रहेगा, ठीक है, बहुत ही छोटा स्कोप होता है इसका। ठीक, इसने शो कर दिया I की वैल्यू, मेरा काम फॉर लूप के अंदर तो हो गया बट अब मैं कंसोल डॉट लॉग I को यूज करना चाहता हूं, अनडिफाइंड दिखाएगा क्योंकि उसका स्कोप सिर्फ और कर्ली ब्रेस से कर्ली ब्रेस तक ही था। ठीक, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कर्ली ब्रेस से स्टार्ट हुआ उसका स्कोप और कर्ली ब्रेस तक एंड हो गया, इसके आगे उसको एक्सेसिबल ही नहीं है। तो ऐसी कोई चीज जो आपको बहुत मतलब शॉर्ट ब्लॉक में अगर यूज करनी है तो उस केस में आप उसको लेट नाम दे दो, आप फंक्शन के अंदर भी लेट यूज कर सकते हो गाइस इफ यू वांट। ठीक, फायदा क्या होगा इससे, अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर दिए, ठीक, हर जगह ग्लोबल वेरिएबल ही क्रिएट करके रख दिया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ब्राउजर हेवी हो सकता है, बहुत सारे अगर आपने वेरिएबल्स बना दिए तो ब्राउजर हेवी हो जाएगा और वो वेरिएबल गार्बेज कलेक्टर क्लीन ही नहीं कर पाएगा, उसको लगेगा ग्लोबल है मैं क्यों हाथ लगाऊं, तो वो क्लीन ही नहीं करेगा, राइट। अब गार्बेज कलेक्टर मतलब क्या, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जाते मेरे को तो नहीं लेकर, ठीक है, ये लोग अकेला अकेले नहीं चल जाते, रेस्टोरेंट में जाने के बाद वहां पर कुछ जगह सेल्फ सर्विस होती है, कुछ जगह वेटर आता है, वेटर जहां पर आता है वहां पर सर्विस अच्छी होती है तो क्या करता है वो टेबल को क्लीन करता है, आपका खाना हो गया तो टेबल क्लीन करता है वो, और दूसरे जो गेस्ट आने वाले हैं, दूसरे जो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आने वाले, उनके लिए वो टेबल अवेलेबल करवा देता है। तो जो वेटर है वहां पे क्लीनिंग वाला, ठीक है, क्लीनिंग बॉय जो रहता है, दोज आर नथिंग बट गार्बेज कलेक्टर। ठीक, सेल्फ सर्विस वाला जो ऐसा चीज है जहां पे आपको खुद क्लीन करना पड़ता है या फिर खुद प्लेट जाके रखनी पड़ती है, ठीक, सो दैट इज सेल्फ सर्विस वाला चीज। वो किसमें होता था, सी लैंग्वेज में अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो सी प्लस प्लस में, तो वहां पे डिस्ट्रक्टर बनाना पड़ता था जो कि क्लीन करता था ये सारी चीजें मैन्युअली, बट एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गार्बेज कलेक्टर होते, आपका वेरिएबल अगर यूज नहीं हो रहा है ज्यादा देर तक तो वो आके क्लीन कर देता, ठीक है, वो टेबल पे कोई बैठा ही नहीं है, ठीक, तो वो क्लीन कर देगा ऑब्वियसली। अगर टेबल पे कोई बैठा है इंसान, वो प्लेट में खाना है, एक पर्सन वहां पे बैठा है, तो नहीं आता है वो बीच में गार्बेज में, ठीक। तो ऐसे ग्लोबल वेरिएबल्स अगर अननेसेसरी क्रिएट हो गए तो आपका ब्राउजर हेवी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे जगह फिलअप होते जा रही है ग्लोबल वेरिएबल्स की तरफ वजह से, और वो क्रैश भी हो सकता है, कभी कभी हैंग भी हो सकता है फिर ब्राउजर, स्पेशली गेम्स के केस में, ठीक है, गेम्स के केस में अगर वेरिएबल्स बनते जा रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल्स ही बनते जा रहे हैं अननेसेसरी, तो उस केस में ब्राउजर फिर क्या हो गया, हैंग हो गया, आधे एक घंटे बाद नहीं के वो रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर सकता है। ठीक, किसी का अगर सिस्टम हैंग करना है तो मुझे बताना, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे, ठीक है, उस केस में वाइल लूप डाल देना ब्राउजर पे, वाइल लूप, वाइल ट्रू और अलर्ट या फिर प्रिंट डाल देना कि लग गए, ठीक, और वो ब्राउजर नहीं क्या हेवी हो जाएगा, वो कभी बंद ही नहीं होगा, हैंग हो जाएगा वो, फाइनली उसको सिस्टम बंद करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें हमें मैन्युअली डिलीट करनी पड़ सकती है, अगर ग्लोबल कोई अगर वेरिएबल बन गया है तो हमें मैन्युअली डिलीट करनी पड़ सकती है, ठीक। बट लेट और वेर के साथ वैसा होता है कि चेक करते हैं, मैं डिलीट ट्राई करके देखता हूँ, वाई वाई को मैंने वेर रखा था गाइस, याद है वेर का स्कोप वाई था,
तो वाई भी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट आई, बट आई डिलीट नहीं कर सकते उस, क्योंकि उस क्लीन कर दिया उसने, ठीक, स्कोप ही छोटा था, वो वहां के वहां बना निकल गया। अगर वायर फंक्शन के अंदर है और बाहर आके मैं डिलीट करना चाहो तो नहीं होगा, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर ही स्कोप था उसका, ठीक है। बट एक्स ग्लोबल स्कोप है, तो वो ग्लोबल स्कोप में है, तो ऐसे मैनुअली मुझे डिलीट करना पड़ेगा, मतलब वो क्लियर करते रहेगा मेमोरी इसके अंदर, ब्राउजर के अंदर, ठीक है, क्लियर है गाइस। तो ऐसे तीन स्कोप है, कोई किसी ने भी फंक्शन ये क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू में, एक्चुअली पूछते हैं Node.js के केस में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायर एक्स, एक्स एंड लेटेक्स, तो तीनों का स्कोप अलग अलग है। स्कोप ये वर्ड अगर यूज कर दिया ना, स्कोप या फिर विजिबिलिटी, तो उसको आइडिया आ जाता है कि आप लोग क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है गाइस। फाइनली ये वाला पार्ट देखते हैं एंड देन 5 मिनट्स का एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, वॉट इज दिस? अब इसके लिए एक प्री रिक्विजिट जरूरी है गाइस आपको, कि आपको फॉर्म्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। HTML में जो फॉर्म्स होते हैं वो क्या होता है वो पता होना चाहिए, तब आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके सिस्टम के अंदर बहुत मतलब हेवी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपके सिस्टम के अंदर आपका नोटपैड भी रहा तो भी आप इससे काम चला सकते हैं, ठीक। तो JS session, कोई भी आप फाइल बनाओ, जस्ट उसको एक्सटेंशन क्या देना है गाइस, HTML, ठीक। एक चीज मैं बताता हूं यहां पर, थोड़ा सा आप आईटी के लोग हो इसलिए ये एक्सटेंशन थोड़ा ध्यान रखना, बहुत सारे लोग MSCIT करके भी यहां पे फंस जाते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, अरे मैंने तो HTML एक्सटेंशन दिया फिर भी रन नहीं हो रहा है, ये ऐसा रहता है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक। और फिर बाद में बोलते हैं कि सर मेरा फाइल रन नहीं हो रहा है, ठीक है, मेरा फाइल रन नहीं हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या कि आपने HTML की फाइल बनाई और रन नहीं हो रही है ब्राउजर पे, या फिर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ऐसा हो सकता है क्या? वो फाइल का एक्सटेंशन देखो क्या है, क्या है फाइल का एक्सटेंशन, HTML ही है, बट इन लोगों को आगे का टाइप पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है, ठीक है। जो लोग MSCIT करके हवा करते हैं ना, मैंने MSCIT किया है, ठीक है, उन लोगों को वो टाइप के बारे में भी नहीं पता रहता, ठीक है। वहां पे क्या दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट HTML जैसा क्यों रन होगा? आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके जस्ट सिंपली चेक करना है कि फाइल नेम एक्सटेंशन हाइड है या नहीं, ठीक है। तो फाइल नेम एक्सटेंशन अलाउ करना, तब वो एक्सटेंशन शो करेगा, ठीक। बाय डिफॉल्ट वो अनचेक रहता है और लोग फंस जाते हैं, ये रन नहीं हो रहा है, रन नहीं हो रहा, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का। तो एक्चुअली इसका एक्सटेंशन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, TXT, और यहां से मैं TXT निकालता हूँ, एंटर करता हूँ, नाउ यू कैन सी HTML डॉक्यूमेंट है, राइट, HTML डॉक्यूमेंट है। तो इसको मैं राइट क्लिक करके या फिर डायरेक्टली ओपन कर दूं क्रोम के अंदर, ओके, एंड नाउ विल प्रेस F12, F12 में हम उसमें जो भी कोड रहेगा स्क्रिप्ट का वो हम आउटपुट शो कर सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, वेरी पॉपुलर एडिटर, ठीक है, CI में अलाउड नहीं करते, क्या ओनली फॉर विंडोज, नहीं लिनक्स में भी चलता है, लिनक्स में वाइन डालना पड़ता है इसके लिए, वाइन एक मेडिएटर है जो विंडोज के सॉफ्टवेयर रन करता है लिनक्स पे, आई एम नॉट श्योर अबाउट मैकिंटोश में कैसे रन करते है, ठीक। तो यहाँ पे आके आप स्क्रिप्ट, वाओ सब कुछ ऑटोमेटिक, सो कंसोल डॉट लॉग, जस्ट हम चेक करते कि एटलीस्ट मेरा कोड रन हो रहा है। आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने है गाइस,
HTML के अंदर अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो फाइल एक्सटेंशन HTML ही रखना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट के कोड आप JS फाइल में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको एक्सटर्नल JS बोलते हैं, उसको इंक्लूड करना पड़ता है आपको HTML में। ठीक, इसको जस्ट रन करके देखते हैं। फाइन, इट इज वर्किंग, हेलो वर्ल्ड आउटपुट रन हो रहा है, मतलब हम आगे का कोड कर सकते हैं। सो यहां पर हम फॉर्म बनाते हैं एक। अब फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, हम मतलब जावास्क्रिप्ट के साथ डायरेक्ट वर्क करने वाले हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू जस्ट फॉर्म के अंदर के एलिमेंट्स यूज करेंगे। ठीक, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, यहां पर नेम दे देते हैं नम। एंड जावास्क्रिप्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो नेम की जगह हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, आईडी। ठीक है, नेम हमें तब जरूरत पड़ती है जब हम बैकएंड की कोई स्क्रिप्ट लिखने वाले, जैसे नोड जेएस यूज करने वाले समझ लो, या फिर पीएचपी यूज करने वाले, जावा यूज करने वाले, उस केस में आपको नेम एट्रीब्यूट जरूरी है। ठीक है, इस चीज को कैसे रीड करेंगे गाइस, इसको इनपुट टैग कहेंगे हम। इसमें टाइप नाम का एट्रीब्यूट है, टाइप नाम के एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, टेक्स्ट है। वैसे आईडी नाम का एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू है नाम। ठीक, और न्यू लाइन में आके हम दे देते हैं इनपुट, इनपुट की जगह बटन, बटन भी लिखते हैं। जस्ट ये वाला पार्ट चेक करते हैं, यहाँ पर फ्रंट एंड पे शो हो रहा है, शो हो रहा है ये प्रॉपर। ठीक, आपको अगर वहां पे कुछ मेंशन करना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लेस होल्डर, जिसमें आप क्या लिख सकते हो, मैसेज लिख सकते हो प्रॉम्प्ट जैसा, एंटर नंबर। ठीक, और एक चीज आप यूआई लेवल पे क्या कर सकते हो यूजर का काम कम करने के लिए गाइस, ऑटो फोकस कर सकते हो, सो दैट जब भी वो यूजर रिफ्रेश करेगा तो मेरा कर्सर हमेशा वहां पर एनेबल रहेगा। ठीक, उसके बाद अब हिट मी पे जब भी मैं हिट करूंगा तब एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको फंक्शंस अगर क्रिएट करने हैं तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं गाइस, फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं। एंड आप उससे क्या कर सकते हो, कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, गेट्स। अब ये फंक्शन जो मैंने बनाया है इसके दो पार्ट होते हैं हमेशा। ठीक है, एक होता है फंक्शन हेडिंग, दूसरा होता है फंक्शन बॉडी। तो फंक्शन बॉडी एक ऐसा ब्लॉक होता है जहां पर आप कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए लॉजिक लिखते हो। ठीक है, तो इस कर्ली ब्रेस से इस कर्ली ब्रेस तक जो भी ब्लॉक रहेगा उसको बोलेंगे हम फंक्शन बॉडी, और वहां पे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। ठीक, और जो फर्स्ट लाइन होती है उसको हम जनरली क्या कहते हैं, फंक्शन हेडिंग। ठीक है, उसको हम कहेंगे फंक्शन हेडिंग। यहां पर लिखते हैं सेव करते, यहाँ पर रिफ्रेश करते एंड जस्ट हिट मी पे क्लिक करते। सो हिट मी पे क्लिक करने पे वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। तो इसको हम मैप कैसे करेंगे उस बटन के साथ, एक इवेंट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में उस चीज को क्या कहेंगे, हम इवेंट कहेंगे। और वो इवेंट कैसे क्या ट्रिगर होगा, जब भी वो बटन पे कोई पर्सन क्लिक करेगा तब वो इवेंट क्या होगा, ट्रिगर होगा और वो फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो हिट मी पे क्लिक करते हैं, जितने बार हिट करेंगे उतने बार वो कॉल होगा। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर हार्ड कोडेड एक स्क्वायर निकालने का कोड लिख लेते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का कोड यहां पर हार्ड कोडेड लिख लेते हैं। कैसे करेंगे हम, वेयर एक्स इक्वल्स टू 5। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहां पर लिख देते हैं हार्ड कोडेड आउटपुट स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ठीक, इसको सेव करते हैं एंड जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश करके हिट मी पे क्लिक करते हैं। तो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, ये प्रॉपरली शो कर रहा है। अब ये इसी वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पर शो करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, टेम्पलेट लिटरल्स का हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 5 निकाल के मैं क्या कर दूंगा, डॉलर एक्स, एंड यहाँ पर निकाल के डॉलर एक्स इंटू एक्स। ठीक, इसको करते हैं सेव, यहाँ पे आते हैं रिफ्रेश एंड यहाँ पर आकर हिट मी पे क्लिक करते हैं, वो प्रॉपरली शो कर रहा है। थोड़ा सा टेस्टिंग करने के लिए हम मैनुअल टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पर 7 वैल्यू डालेंगे एंड
फिर से रिफ्रेश करके जस्ट चेक करते हैं कि 7 का स्क्वायर प्रॉपरली शो। तो यहाँ पर थोड़ा एश्योरिटी आ गया, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, अब आप इसको डायनेमिक में कन्वर्ट करने के लिए रेडी। तो डायनेमिक में कन्वर्ट करने के पहले हम चेक करते हैं कि इनपुट टाइप के अंदर एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है वैल्यू। क्या नाम है? वैल्यू। तो वो वैल्यू मैं हार्ड कोडेड ऐसे यहाँ पर दे सकता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 वैल्यू पहले से फील्ड रहेगी। अब इस वैल्यू को बात करनी है किसके साथ? जावास्क्रिप्ट के साथ। मतलब कम्युनिकेशन अभी करना है किसका? HTML का जावास्क्रिप्ट के साथ। सो देयर योर दैट टॉपिक कम्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अब यहां पे आएगा, ठीक। सो डॉक्यूमेंट कौन सा है? यहां पर अलग अलग डॉक्यूमेंट है, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग आईडीज है, ठीक। उसमें से कौन सा स्पेसिफिक आईडी को आपको एक्सेस करना है, वो आपको फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जिसका नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड आईडी जो हमने दिया है, आईडी क्या दिया है गाइस? नम, उससे हम उसको एक्सेस करेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, ठीक। और आईडी का नाम आपको इसके राउंड ब्रैकेट में पास करना पड़ेगा। कोई भी फंक्शन अगर आप देते हैं तो उस एक तो वो ब्लैंक हो सकता है विदाउट आर्गुमेंट्स या फिर विद आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पर आर्गुमेंट है, गेट एलिमेंट बाय आईडी को एक आर्गुमेंट पास करना पड़ता है जो कि आईडी का नेम होता है, ठीक। आईडी है नम, आईडी क्या है? नम। इसको सेव करते हैं, लेट्स रिफ्रेश दिस एंड लेट्स ट्राई टू हिट 5 के लिए शो कर रहा है। यहाँ पर 6 डालते हैं तो 6 के लिए भी शो कर रहा है, ठीक। कस्टमर आया आपके पास भागा भागा, कस्टमर ने बोला कि मेरे को F12 क्यों प्रेस करना है, मेरे को आउटपुट दिखाओ ना तुम डायरेक्ट स्क्रीन पर ही। तो उसके लिए भी हम गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करेंगे, बट इस समय हम इंस्टेड ऑफ वैल्यू हम HTML यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई टैग के अंदर का पार्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? HTML कंटेंट। अगर वो किसी टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट के अंदर का पार्ट है, इनपुट टाइप ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का पार्ट है तो उसको वैल्यू से हम एक्सेस करेंगे, ठीक। तो एक यहां पर क्या बनाते हैं हम? ड्यू बनाते हैं। ड्यू टैग मतलब डिवाइड करता है वो सेक्शन को, ठीक, लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ले लेता है ड्यू हमेशा, ठीक। और इसको हम एक आईडी दे देंगे यहाँ पर, आईडी इक्वल्स टू, जनरली मैं रिजल्ट आईडी यूज करता हूँ, तो आउटपुट विल कम, ठीक। तो यहां पर आने के बाद कंसोल डॉट लॉग में जो आउटपुट है उसी के जैसा क्या करेंगे, राइट साइड टू लेफ्ट साइड हमने क्या किया था कि राइट टू लेफ्ट यहाँ पे वैल्यू ली थी, किसमें? वेरिएबल में ली थी। वैसे किसी वेरिएबल की या फिर किसी आउटपुट को हम लेफ्ट साइड के डॉक्यूमेंट में रखेंगे, ठीक। तो किसमें रखना है गाइस? रिजल्ट में रखना है, और यहाँ पर इनर HTML नाम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और यहाँ पर आउटपुट कौन सा चाहिए? एग्जैक्टली यही आउटपुट चाहिए जो नीचे शो कर रहा है, वो सेम आउटपुट चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी यहां पर पेस्ट, आउटपुट विल कम हियर एंड वो आउटपुट ओवरराइड हो गया, ठीक। यहां पर डुप्लीकेशन हो रहा है, थोड़ा सा कोडिंग में लॉजिक लगाते हैं। यहां पर देखो डुप्लीकेशन हो रहा है, कोड का डुप्लीकेशन हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहां पर एक स्ट्रिंग नाम का आउटपुट बना सकता हूँ, ठीक है, आउट, ठीक है, एक स्ट्रिंग नाम का आउटपुट बना सकता हूँ, उसको ये असाइन कर दूंगा एंड यहां पर वो स्ट्रिंग यूज करते हैं, ठीक है, ओके। आउटपुट नाम का वेरिएबल दोनों जगह यूज करते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं। एंड यहां पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो यहां पर हिट मी पे क्लिक करता हूं, तभी भी मेरा काम हो रहा है। यहां पर अगर मैंने 6 प्रेस किया, हिट मी किया, तो ये मेरा काम हुआ, ठीक है। एक फाइनल चेंज एंड देन वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। यहां पर देखो यूजर के गाइस क्लिक बढ़ रहे हैं, यूजर के क्या बढ़ रहे हैं? क्लिक्स बढ़ रहे हैं। उसको स्क्वायर ही तो निकालना है और एक ही इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, तो क्यों ना हम उसको ऐसा टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू एंटर करने के बाद उसी वक्त आउटपुट दे दे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए भी एक इवेंट है जिस इवेंट का नाम है ऑन की अप। क्या है इवेंट का नाम? ऑन की अप,
सो ऑन की अप पे भी हम ये फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है, ऑन की अप पे भी वो फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। भी रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पर 5 है, देखो 5 के लिए पूछ शो किया उसने, मैं यहाँ से रिमूव करके जब 6 डालता हूँ तो भी वो शो कर रहा है, मैं यहाँ से रिमूव करके 7 डालता हूँ, 7-0 डालता हूँ तो भी वो प्रॉपरली शो करेगा, ठीक है। तो यूजर के क्लिक मैंने कम कर दिए इस जगह, तो हमेशा ट्राई करना गाइस कि आप सॉफ्टवेयर जब बना रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर कस्टमर के लिए बना रहे हो, कस्टमर का हेडेक आपने कम करना है, बढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना कम से कम उसको वहां पे मतलब कम से कम क्लिक्स में आप उसको अच्छा यूआई या फिर यूएक्स दे दो, ठीक। एक अच्छा यूआई यूएक्स वो भी हो सकता है अगर आप इनपुट डालने के लिए बोल रहे हो उसको, और मोबाइल में ओपन है तो मोबाइल में तो डायनेमिकली कीबोर्ड चेंज होता है, तो अगर नंबर डालने का है तो न्यूमेरिकल पैड ही आना चाहिए, ठीक है। ओटीपी के केस में सिर्फ 1, 2, 3, 4 इतना ही दिखना चाहिए, पूरा का पूरा क्वालिटी कीबोर्ड नहीं दिखना चाहिए, क्वालिटी मतलब वो QWER इतना बड़ा कीबोर्ड नहीं दिखना चाहिए। तो वो होता है अच्छा यूआई यूएक्स डेवलपर, जो प्रॉपर यूएक्स बनाता है, यूजर का एक्सपीरियंस लेकर उसका एफर्ट कम करता है। क्लियर है गाइस, चलेगा। चलो एक 5 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक लेते हैं एंड देन आगे का टॉपिक देखेंगे।
चलो वेलकम बैक गाइस। नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, जो कि बहुत रेयरली यूज होता है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बहुत रेयरली यूज होता है, बट फिर भी सिलेबस में इसलिए हम देख लेते हैं कि क्या कंसेप्ट है ये। जनरली किसी भी एलिमेंट को आप क्लास एट्रीब्यूट दे सकते हो या फिर आईडी एट्रीब्यूट दे सकते हो, ठीक। अब आईडी एट्रीब्यूट अगर आपने दिया तो आईडी इज लाइक आइडेंटिफिकेशन, एक यूनिक आईडी रहता है, तो यूनिक आईडी रोल नंबर के जैसा रहता है, तो वो यूनिक ही रहेगा पूरे पेज में। अगर आपने किसी को एक आईडी दे दिया नम, तो आप दूसरे एलिमेंट को नम नहीं दे सकते, आपको नम1 नम2 नम3 ऐसा कुछ और देना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन है जो आपको मल्टीपल जगह यूज करना है, तो उस केस में आपने क्या देना है, क्लास। क्लास आप डुप्लीकेट कर सकते हो, इसीलिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कहा जाता है। एंड क्योंकि वो एक होता है, एंड थोड़ा सा आप देखोगे तो यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को रह सकते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा काम। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक सिंपल सा आईडी की जगह पर ले लेते हैं हम क्लास, ठीक। इसको भी क्लास दे देते हैं, इसको भी क्लास दे देते हैं, और यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास करते हैं, सेव करते हैं, और यहां पे आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक। क्या हुआ, क्लास नेम, क्लास में ठीक, और अभी यहां पर हिट करते हैं, इट इज नॉट कमिंग, क्लास नेम ही था ना, लेट मी चेक दिस, ठीक है, बहुत रेयरली यूज करता हूं, मैं भी भूल गया इसका सिंटैक्स। W3 ओके यहां पर आई थिंक 0, एंड 1 शायद ऐसा आता है, हाँ तो उस तरह से आएगा, ठीक। तो वो एक तरह से आपका एरे में स्टोर हो जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, वो आपका एक एरे ऑब्जेक्ट बन जाता है, जिसमें आपको फर्स्ट अगर एलिमेंट एक्सेस करना है तो 0, सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है तो 1, ठीक है। आप इसको फॉर लूप में चला के वो i 0 1 2 कर सकते हो, ठीक। सो द थिंग इज, यहां पर अगर मल्टीपल जगह पर आपको कोई भी चीज अगर एक्सेस करवानी है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आईडी की जगह क्लास, ठीक है, और उसको एक्सेस करने के वक्त जस्ट थोड़ा सा चेंज है, एलिमेंट बाय आईडी की जगह एलिमेंट्स बाय क्लास में, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर जो सबसे लास्ट है, उसमें आप क्या कर सकते हो,
query selector. यहां पर आएगा ओपी एंड इनर एचटीएमएल. ठीक, सेव करते हैं इसको, ब्राउजर में आके रिफ्रेश करते एंड कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल सेटिंग इनर एचटीएमएल. तो ये ऐसा क्यों शो कर रहा है? क्योंकि जब भी आप क्वेरी सिलेक्टर ऐसा यूज करेंगे तब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है वहां. ठीक, ध्यान इसका रखना पड़ता है कि आप आईडी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो. तो अगर आप आईडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जनरली आईडी आइडेंटिफाई होता है इस सिंबल से, एचटीएमएल में, इससे हैश से. तो इसको सेव करते हैं, लेट्स रिफ्रेश दिस. देखो हाँ, वहां पे अगर मुझे ठीक, तो अगर आपको क्लास यूज करना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, हैश की जगह डॉट. क्या यूज करना पड़ेगा? हैश की जगह डॉट. तो इसी में क्या करते हैं, डॉट. ठीक है, रिफ्रेश करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वो आपका एरे वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप उसको एक्सेस करें. ठीक, एक बार ट्राई करते हैं, दो दो चीजों को मतलब ओपी क्लास देकर देखते हैं, दो ड्यू को, ओपी क्लास वन, ओपी क्लास टू. OP क्लास टू में अप्लाई नहीं हो रहा, OP क्लास टू में अपना अप्लाई नहीं हो रहा है. तो उस केस में क्या करेंगे गाइस, ट्राई करते हैं 01 के साथ. ओके, ये फर्स्ट वाले को ही असाइन होता है. ये एक तरह से आपको अगर थोड़ा सा आपका एक ही क्लास है और एक ही अगर आईडी है तो आपको कैसे एक्सेस करना है उसके लिए है. बट मैं फिर भी इसका रिजोल्यूशन देखता हूँ कि मल्टीपल क्लासेस के लिए भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं. बट ये बहुत रेयरली यूज होता है क्वेरी सिलेक्टर. ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर की जगह आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी ही यूज करो, क्योंकि आपके टेक्स्ट बॉक्सेस यूनिक होते हैं और उसको अगर यूनिकली एक्सेस करना है, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक ही फंक्शन यूज करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. ठीक, सबसे ज्यादा वही यूज होता है, पॉपुलर भी वही है. फॉर थ्योरी पर्पस यू कैन जस्ट कीप दिस इन माइंड कि हम क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं चीजें और क्वेरी सिलेक्टर से भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक, ये एक ही प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हैं, तो ये फाइल में आपको शेयर कर दूंगा सेशन के बाद. ओके, नेक्स्ट आता है आपका वैल्यू वर्सेस इनर एचटीएमएल. तो वैल्यू वर्सेस इनर एचटीएमएल अभी हमने देख ही लिया है. अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यू अगर आपको अपडेट करनी है या फिर रिसीव करनी है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. एक बार आपके पास वो एलिमेंट आ गया, डॉट उसका वैल्यू चेंज करना है, उसका आईडी चेंज करना है, उसका एट्रीब्यूट कोई भी हो, ठीक है, आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं, प्लेस होल्डर भी चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, और फोकस भी कर सकते हो उस पर, किसी डॉक्यूमेंट पे आपको फोकस करना है तो फोकस भी कर सकते हो. इनर एचटीएमएल मतलब कोई भी टैग के अंदर कंटेंट है वो आपको अगर रिप्लेस करने हैं, ओवरराइट करने हैं, तो उस केस में आप इनर एचटीएमएल का यूज कर सकते हो. आप इनर एचटीएमएल का कंटेंट ले भी सकते हो, किसी इनर एचटीएमएल में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो भी ले सकते हो, क्या वाइस वर्सा करना है, इनर एचटीएमएल पार्ट लेफ्ट साइड में है तो उसको राइट साइड में कर दो, लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल में ले दो उसको, है ना, तो वो एक वेरिएबल में भी ले सकते हो. फंक्शन जैसा कि हमने देखा, फंक्शन कीवर्ड का यूज करके हम कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, और फंक्शन बनाने के बाद फंक्शन की हेडिंग होती है, फंक्शन की बॉडी होती है, और फंक्शन का जो बिजनेस लॉजिक है वो फंक्शन बॉडी में लिखना पड़ता है. फंक्शन नेम, हम जनरली फंक्शन नेम एक केस का यूज करके नहीं क्या बनाते हैं, जिसका नाम है कैमल
केस, कैमल केस से ही हम मतलब एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन फॉलो करते हैं उसके लिए, कैमल केस। ठीक, फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, ये वाला चीज देख लेते हैं और फिर बाद में सेट टाइमर। तो अभी केस की अगर बात आ ही गई है तो मैं केस के बारे में बता देता हूँ कि चार टाइप के केसेस सबसे ज्यादा यूज करते हैं आईटी इंडस्ट्री में। चार टाइप के केसेस सबसे ज्यादा यूज करते हैं आईटी इंडस्ट्री में। सबसे पहला है कैमल केस। सबसे पहला कौन सा केस है? कैमल केस, जो कि कभी भी आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो उस समय आप कैमल केस में ही लिखो उसको। ठीक है, कैमल केस। ठीक है, फंक्शन जब भी डिफाइन कर रहे हैं आप उसको हमेशा कैमल केस में ही लिखो। ओके गाइस, फिर सेकंड आता है आपका पास्कल केस। क्या आता है? पास्कल केस। कभी भी आप क्लास बना रहे हो, ठीक है, कभी भी आप अगर क्लास बना रहे हो तो क्लास हमेशा कौन से केस में होना चाहिए? पास्कल केस में। पास्कल केस में ही क्लास होना चाहिए। ठीक है, क्लास का नाम जनरली पास्कल केस। बहुत सारे लोग वेरिएबल नेम में भी पास्कल केस यूज करते हैं, चलेगा। अगर पूरा प्रोजेक्ट ही पास्कल केस में यूज हो रहा है वेरिएबल्स के नाम तो चलेगा, बट स्टैंडर्डाइज रखना कि देखते बराबर। ठीक है, जैसे होता है ना टायर वाला, दूर से देख के बता देता है पंचर का है। ठीक, तो वैसे ही हमें एज अ डेवलपर देखकर पता चलना चाहिए कि ये फंक्शन है या फिर क्लास है। ठीक, थर्ड आता है स्नेक केस। थर्ड क्या आता है? स्नेक केस। अब सांप ऐसा नीचे से जाता है ना ऐसे सरपटते हुए, तो स्नेक केस। ठीक है, इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं आप, स्नेक। पीएचपी ईओएल याद है किसी को? पीएचपी का, हाँ, क्या कैसे लिखते हैं वो? पीएचपी ईओएल स्पेस अंडरस्कोर। ठीक है, पीएचपी का एक वेरिएबल है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आप स्मॉल केस में कोई चीज दे रहे हो तो वी कैन कंसिडर इट एज अ वेरिएबल, और कैपिटल में कोई चीज अगर आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं हो सकती। मुझे देना है पाए, है ना, पाए की वैल्यू कभी चेंज होती है क्या? नहीं, तो वो एक कांस्टेंट है। बट अगर मैं कोई वेरिएबल दे रहा हूं तो मैं उसको स्मॉल केस में। ठीक है, बट अगर दो वर्ड है तो उसको स्नेक केस में ही लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ऐसा लिखेंगे तभी आपका कोड रन होगा, बट एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं इंडस्ट्री में भी। ठीक, फाइनल केस आता है आपका तुम नॉनवेज नहीं खाती यार, तुम मत बोलो। केबाब। क्या? केबाब। ठीक है, बीच में से रॉड डाल देते हैं, राइट, वो तंदूर हो गए बनाते हैं क्या बोलते हैं, हाँ वही। तो उसमें कैसा होता है कि वो रॉड घुसा देते हैं, बट वो गैप जो रहती है उसमें रॉड दिखता है, तो एक तरह से वो कबाब और केस के बीच में जो है ना उसको रॉड बोलेंगे अपन। ठीक, तो ऐसा केबाब केस हो सकता है। केबाब केस मोस्ट ऑफ द केसेस में आप स्टैटिक फाइल्स वगैरह बनाते हो या फिर यूआरएल्स जो होते हैं वो जनरली केबाब केस में होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर यूआरएल उठा के देख लो तो वो केबाब केस में ही होता है। अगर लिखा है तो अच्छी बात है, वो स्नेक केस में अगर यूआरएल है तो उसको कैसे सर्च इंजन जो रहते हैं ना वो क्रॉल करने के वक्त उसका रिजल्ट डाउन कर देते, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड है कि हाइफन होना चाहिए, आपके यूआरएल में हाइफन है तो उसका स्कोर बढ़ता है। आप अगर देखोगे यही पर अभी तीन चार टैब्स ओपन है, इन्होंने कौन सा केस यूज किया है? डेवलपर डॉट मोजिला ने यूआरएल में कैमल केस, केबाब केस भी है और कैमल केस भी है। देखो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है वो केबाब केस में। स्टैक ओवरफ्लो के जो मोस्टली आंसर होते हैं, जैसे अभी स्टैक ओवरफ्लो का आंसर, इसके ऊपर क्लिक करता हूं मैं, तो देखो यूआरएल जो है वो केबाब केस से बना है और इसीलिए वो रिजल्ट भी टॉप पे आता है। ठीक है, अभी इसको ओपन कर ही लिया है तो
आंसर भी देख लेते, किसने लिखा है वो भी देख लेते, देख लो वो हिट्स आए हैं उसके। ठीक, तो केबाब केस में अगर रहता है तो गूगल क्रॉलर जो है उसको अपने रिजल्ट्स में टॉप पे रखता है। ठीक, यूआरएल्स में अगर केबाब केस आया तो। ठीक, तो स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक कंटेंट्स है या फिर यूआरएल है तो वो किस में होने चाहिए, कबाब केस में। ठीक, स्टैटिक कंटेंट मतलब अभी कौन से, जैसे इमेज है, इमेज एक स्टैटिक कंटेंट होता है, तो इमेज का नाम अगर मुझे शो करना है कंपनी लोगो, कंपनी हाइफन लोगो डॉट पीएनजी, पैसा दे सकते हैं, तो वो ब्राउजर पे बहुत जल्दी लोड हो जाता है। ठीक, दूसरा स्टैटिक कंटेंट ऐसा हो सकता है कि एचटीएमएल फाइल है, सिंपली सिर्फ एक एचटीएमएल फाइल है, तो उसमें आप लिख सकते हो कि सर्कल, ठीक है, सर्कल कैलकुलेटर, ठीक है, सर्कल हाइफन कैलकुलेटर, ठीक है, ज्योमेट्री हाइफन सर्कल, ज्योमेट्री हाइफन ट्राइंगल डॉट एचटीएमएल, ऐसा दे सकते हो फाइल का नाम, तो वो जल्दी क्या होता है, पार्स होता है इसमें गूगल क्रॉलर में। ओके, सो दीज आर नथिंग बट फोर केसेस, कबाब केस, पास्कल केस, कैमल केस एंड स्नेक केस। ठीक, कैपिटल में अगर कोई चीज लिख रहे हैं पूरा का पूरा तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। और देखो एक्स इक्वल्स टू फाइव, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में बताओ मुझे वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है गाइस। एक्स वेरिएबल है एंड फाइव इज कांस्टेंट। फाइव कांस्टेंट इसलिए क्योंकि फाइव फाइव ही रहेगा जिंदगी में, कभी भी फाइव फाइव ही रहेगा, फाइव फाइव का सिक्स नहीं हो सकता, बट एक्स सिक्स हो सकता है, इसलिए एक्स को वेरिएबल कहेंगे। ठीक, फंक्शंस विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट, अब ये क्या होते हैं, सबसे पहले फंक्शन विद आर्गुमेंट देख लेते हैं एंड देन डिफॉल्ट आर्गुमेंट देखते हैं। सो एक न्यू फाइल बनाते हैं, ये पोट्टे शांत बस, ओके, स्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन विथ आर्गुमेंट बनाएंगे अभी। ठीक, तो फंक्शन विथ आर्गुमेंट का सर यूज क्या है, अब हाँ एक और चीज, आप जब भी फंक्शन बना रहे हो तब एक डायनेमिक कोड लिख लो, पहले तो आप बिजनेस लॉजिक बनाना है वो लिख लो, उसको फिर एक ब्लॉक में डाल दो, उस ब्लॉक को नाम दे दो, और उस ब्लॉक को जो नाम देंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। ठीक, तो मेरा अभी एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर्स करनी है, तो एक्स इक्वल्स टू फाइव, और ये एक्स ग्लोबली नहीं बनना चाहिए इसलिए मैं वैर दे देता हूँ, और वैर वाई इक्वल्स टू सिक्स, इन दोनों की एडिशन करनी है, डायरेक्टली आउटपुट मुझे शो करना है कंसोल डॉट लॉग और एक्स प्लस वाई। ठीक, इतना आउटपुट मुझे शो करना है, इसको करते हैं सेव और डायरेक्टली रन करके चेक करते हैं कि हाँ। एक और चीज गाइज यहाँ पर ध्यान देना आप, कि आप ऐसे टैब्स ओपन कर रहे हैं ना मल्टीपल, तो कभी कभी आपका सिस्टम स्लो हो सकता है क्योंकि कुछ चीजें बैकग्राउंड में चलते रहती है, तो जस्ट ये छोटी छोटी बातें हैं, बट कैसा, जो चीज अननेसेसरी है उस टैब को क्लोज कर देगा। ठीक, तो आपका कैसा, कैशिंग वगैरह थोड़ा सा क्लियर रहेगा और सिस्टम हैंग नहीं करेगा कुछ देर बाद। ठीक है, हर किसी के पास मैकिंटोश नहीं होते हैं, ठीक, विंडोज भी यूज करने वाले लोग हैं यहाँ पर। ओके, तो 11 आउटपुट मुझे शो कर रही है, अब इसको मैं एक ब्लॉक में डाल देता हूँ। ठीक है, इसको क्या करता हूँ, एक ब्लॉक में डाल देता हूँ, ये कर्ली ब्रेस से, कर्ली ब्रेस था, ब्लॉक में डाल दिया और उस ब्लॉक को एक नाम दे दिया, उसी को हम फंक्शन बोलेंगे। ठीक, एड नाम का फंक्शन। अब ये फंक्शन जो होता है जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूंगा तब तक उसके अंदर का कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, फंक्शन बन तो जाएगा लेकिन ये जस्ट मेमोरी में रहेगा, कॉल नहीं होगा। ठीक है, इसको कॉल करना है तो मुझे मैन्युअली ऐसे कॉल करना पड़ेगा, गेटिंग इट गाइस। अब इसी के थ्रू अगर मुझे कॉल करना है तो मैं क्या लिखूंगा, एड 11 शो कर रहा है, अब मुझे 10 बार कॉल करना है, 10 बार कॉल कर, किसने रोका, फंक्शन है, जितने बार चाहे उतने बार कॉल करो, एक बार लिखो बार बार कॉल करो। अब फायदा क्या है आपके आर्गुमेंट, विथ आर्गुमेंट्स का फायदा क्या है, यहां पर मैं एक्स कॉमा वाई दे देता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस एक्स कॉमा वाई। अब ये फंक्शन के अंदर एक्स कॉमा वाई लिखा है तो उसका स्कोप
फंक्शन लेवल तक ही रहेगा, ठीक है। फंक्शन में आर्गुमेंट्स जो पास है उसको हम बोलेंगे पैरामीटर्स, है ना। हम यहाँ पर पैरामीटर्स बोलते हैं एक्स वाई को, और आर्गुमेंट्स किसको बोलेंगे जो हम यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसको करते हैं सेव और रिफ्रेश, वाओ बूम, ठीक है। तो अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज हमें पास करनी है लेकिन लॉजिक सेम है तो हम क्या कर सकते हैं उसको फंक्शन के अंदर फंक्शन ब्लॉक में लिख सकते हैं। अब फंक्शन ब्लॉक में आपने लिख दिया, ठीक, तो उसको कॉल करने के वक्त जस्ट आर्गुमेंट डिफरेंट पास करने हैं, वो पैरामीटर में एक्सेप्ट कर लेगा और स्टैक मेमोरी में, ठीक है, स्टैक मेमोरी में जाके एग्जीक्यूट होगा, क्लियर करेगा। जैसे 1, 2 का एडिशन उसने प्रिंट कर दिया, क्लियर कर देगा, फिर 3, 4 के लिए प्रिंट कर देगा, फिर उसको क्लियर कर देगा स्टैक में, फिर 5, 6 एंड 7, 8 से, ठीक है, वन बाय वन वो क्लियर करते जाएगा, क्योंकि स्टैक में वैसे होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, गया काम हो गया फंक्शन निकल गया। रिकर्सिव फंक्शन में नहीं होगा वैसा, रिकर्सिव फंक्शन में जब तक सारे फंक्शंस खत्म नहीं होते तब तक वो स्टैक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में अभी ये फंक्शन विद आर्गुमेंट्स यहाँ पर शो कर रहा है। एक अजीब सी रिक्वायरमेंट आ गई क्लाइंट की तरफ से, ठीक है, एक अजीब सी रिक्वायरमेंट आ गई, 100 जगह आपका ये फंक्शन यूज हो रहा है पहले से, उसने बोल दिया कि अभी एक तीसरा आर्गुमेंट भी चाहिए मेरे यूजर्स, या फिर मेरे एंड यूजर्स अभी 3 नंबर्स की भी एडिशन करना चाहते, ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई। डेवलपर अभी हो गया पागल, डेवलपर बोलेगा मैं हर जगह जाके अभी 0, 0, 0 डालू क्या, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना, मैं यहां पर डाल देता हूं लेट्स से 0 और यहां पे डाल देता हूं जेड, तो ऐसे 100 जगह अभी ये फंक्शन लिखा हुआ होगा। नाइन टेन एलेवन सेव रिफ्रेश, तो मेरा 3 वाला तो चल रहा है, बाकी सब फंक्शन नहीं क्या फट गए, बाकी सब जगह 100 जगह यूज किया रहेगा तो फट गया आपको, यहां तो काम हो गया डेवलपर मेरा तो हो गया, अब तुम देखते बैठो ऐसा होगा क्या, नहीं। यहाँ पे फिर जावा स्क्रिप्ट डेवलपर्स ने क्या किया, एक कंसेप्ट लाया जिसका नाम है डिफॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू, ठीक है, फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर z इक्वल्स टू 0 ऐसा असाइन कर सकते हो, ठीक है, z इक्वल्स टू क्या असाइन कर सकते हो 0। ये पाइथन में भी अवेलेबल है, PHP में भी अवेलेबल है, इन फ्यूचर ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला चीज लेकर आ जाएंगे वो लोग, ठीक। तो अभी क्या होगा कि अगर 1, 2 मैंने पास किया हुआ है आर्गुमेंट में तो 1, 2 तो जाएगा एक्स वाई में, लेकिन अगर जेड की वैल्यू मैंने पास नहीं किया है तो डिफॉल्ट क्या वैल्यू ले लेगा वो 0। तो अभी रिफ्रेश करते हैं, बूम, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या होगा, आपका एग्जिस्टिंग फंक्शन भी जो है वो वर्क करेंगे और नए फंक्शन जिसको यूज करने हैं वो भी। क्लियर है गाइस, फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट। चलो अभी एक और फंक्शन बनाते हैं यहां पर और दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मुझे क्या चाहिए, जितने भी नंबर में पास करूंगा उसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ठीक। तो मैं फंक्शन लिखता हूं मल्टी नाम का, और अभी मुझे थोड़ा सा आइडिया आ गया है तो मैं यहां पर डायरेक्टली यूज करूंगा उसको, कंसोल डॉट लॉग एक्स इंटू वाई, ठीक। तो यहां पर एक्स कॉमा वाई पास करता हूं और मल्टी कॉल करेंगे 5, 6 से 30, 5, 6 are 30 शो कर रहे हैं। अब कस्टमर एक अलग ही रिक्वायरमेंट लेकर आ गया, वो बोला मैं 1 पास करूं, 2 पास करूं या 3 पास करूं या 4 पास करूं, मैं कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकता हूं, तुम मुझे ऐसा फंक्शन बना के दो कि जो मुझे मल्टीप्लिकेशन दे दे। मैंने पास किया मल्टी 1 तो 1 आउटपुट दे दे, मैंने पास किया मल्टी 1, 2 तो उसने 2 आउटपुट में देना चाहिए, मैंने पास किया मल्टी 1, 2, 3 उसने 1 × 2 × 3 करके 6 आउटपुट देना चाहिए, वैसे उसने 4 पास किया 1 × 2 × 3 × 4 24 आ जाना चाहिए। इस केस के लिए क्या करेंगे अभी,
है, ऐसे अगर रिक्वायरमेंट आ गई तो क्या करेंगे? तो उस केस में यहाँ पर एक ट्रिपल डॉट वाला फंडा दिया है किसने, ट्रिपल डॉट वाला फंडा किसने दिया है, जावास्क्रिप्ट ने दिया है। ये एक्चुअली एक्सक्लूसिव है शायद इसमें, तो आप ट्रिपल डॉट से क्या कर सकते हो, एरे फॉर्मेट में सारे वैल्यूज दे सकते हो। ठीक है, एरे फॉर्मेट में सारे वैल्यूज दे सकते हैं, ऐसा एआरआर देना ही जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पर नम्स भी दे सकता हूँ जो चाहिए, और हम नम्स को जस्ट प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, हम नम्स को क्या करते हैं, जस्ट प्रिंट करके देखते हैं। गेटिंग इट गाइस, नम्स को हम प्रिंट करके जस्ट देखते हैं और हमें वो प्रॉपरली शो कर रहे हैं। अब जितने चाहे उतने मैं यहाँ पर वैल्यू, बट चार डाल दिया किसी ने, तो पांच भी डाल सकता हूँ, 100 डाल दिया तो हमारे एक स्टूडेंट अभी चिढ़ रहे, ज्यादा मत बोलो, 5 तक ही ठीक है। तो अभी इस पे क्या कर सकता हूं, ये एरे फॉर्मेट में आ गया है, और किसी का गाड़ी लगा हुआ है क्या, एक बार चेक कर लो ना, हॉर्न बजा रहे थे जस्ट, हाँ मैं होल्ड करके रखता हूँ। ठीक है, मैं यहां पर रिफ्रेश करता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आउटपुट में तो वो सारे वैल्यूज शो कर रहा है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी यहां पर कैलकुलेशन करेंगे। तो ये एरे है, ऑब्वियसली एरे है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे फॉर लूप चला सकता हूँ, है ना, एरे पे फॉर लूप चला सकता हूँ। तो लेट हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसका स्कोप सबसे छोटा रहता है, आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन नम्स डॉट len gth। ठीक है, नम्स डॉट लेंथ क्या करता है, एक प्रॉपर्टी है नम्स डॉट लेंथ, जो कि उसका एक्चुअल काउंट शो करता है आपको। ठीक है, कितने एलिमेंट्स है उस एरे में, एंड देन i प्लस प्लस, इररिलेवेंट ऑफ कितने भी एलिमेंट्स है, ये फॉर लूप जितने एलिमेंट्स है उतने बार चलेगा। ठीक, एंड देन उसके बाद क्या चाहिए मुझे, उसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए, राइट, फाइनल मल्टीप्लीकेशन वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर m इक्वल्स टू स्टार्टिंग में दे देता हूँ 1, और इसको वैर रखते थे, और ये m इक्वल्स टू m इंटू क्या करेंगे गाइस, नम्स ऑफ i। ठीक है, क्योंकि नम्स में है ना वो वैल्यूज। ठीक है, हाँ, तो ये देखो यहां पर ये नम्स प्रिंट हो रहा है, पर नम्स ऑफ जीरो, नम्स ऑफ वन, ये नम्स ऑफ जीरो, नम्स ऑफ वन, नम्स ऑफ टू, नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, ये अलग कलर में, तो ये डॉट लेंथ से आएगा, लेकिन ये ऑफ में आएगा, ये 1 2 3 दिख रहा है ना, ऑफ मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। ठीक, और फाइनली हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, जो भी एम में फाइनल स्टोर रहेगा। ठीक, इसको करते हैं सेव, यहां पे करते हैं रिफ्रेश, बूम, ठीक है, एकदम परफेक्ट एग्जांपल। अगर कस्टमर की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मैं कितने भी आर्गुमेंट्स पास कर सकता हूं, तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक, अभी नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, ट्रिपल डॉट्स आर्गुमेंट्स जो अभी देखा वो यही है। ठीक, सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल फंक्शन, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल, प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए यूज होते हैं। मैं आपको एक दो रिक्वायरमेंट बताऊंगा, फिर आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो, जैसा आपका बिजनेस केस रहेगा। सेट टाइम आउट फंक्शन और सेट इंटरवल फंक्शन का देखो केस थोड़ा प्रॉपर दिया है उन्होंने, कैमल केस में रखा हुआ। ठीक है, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ठीक है, टाइम आउट एक कंप्लीट वर्ड है इसलिए उसका टी कैपिटल रख दिया, सेट इंटरवल का, इंटरवल एक डिफरेंट वर्ड है इसलिए उसका आई कैपिटल रख दिया। तो सेट टाइम आउट ऐसा फंक्शन कब यूज करते हैं, ठीक है, टाइम
चलो सबसे पहले देखते हैं कि सेट टाइम आउट की रिक्वायरमेंट कब आती है। अब सेट टाइम आउट की रिक्वायरमेंट तब आती है जब आपको कोई स्पेसिफिक चीज हो गई है और उसके होने के बाद कुछ सेकंड बाद ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, सेट टाइम आउट कर सकते हो। ठीक है, अब प्रैक्टिकली ये चीज कहां पर इंप्लीमेंट होती है, देखो आपने लेट से किसी का फोटो को लाइक किया, ठीक, तो समवन लाइक्ड योर फोटो, ऐसा आपको पॉपअप आता है, लेकिन वो पॉपअप हमेशा के लिए वहां रहता है क्या? नहीं, 5 सेकंड 10 सेकंड तक रहेगा और फिर बाद में चले जाएगा। तो ऐसा अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, सेट टाइम आउट फंक्शन यूज कर सकते हो। सेट टाइम आउट फंक्शन क्या मांगता है अभी, ठीक है, सेट टाइम आउट फंक्शन मांगता है कि मुझे एक फंक्शन दो जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है और कितने सेकंड बाद वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, ऐसा वो बोलता है। ठीक, तो लेट से यहां पर एक ड्यू है, ओके, और यहां पर दिस मैसेज विल दिस, ठीक है, किसने मिशन इम्पॉसिबल देखे, हाँ, उसमें एक ऐसा था स्टेटमेंट, दिस मैसेज विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट इन 5 सेकंड, मतलब वो एक बार टॉम क्रूज ने वो मैसेज पढ़ लिया ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे वो स्टार्टिंग में, पता है कैसे करते थे वो, ऐसा कैसेट, मतलब टेक्नोलॉजी, पहले 90s में कैसेट यूज करते थे ना, वहां पे CDs वगैरह बहुत कम यूज किया करते, तो कैसेट के अंदर है ना जो रील होती है, उस रील में मैच बॉक्स का जो मैच का जो गूल होता है ना, ठीक है, जिससे आग जलती है, वो डाल के रखते हैं और वो जो हेड होता है उसमें वो मैच का जो जलने वाला पार्ट होता है ना वो, तो एक बार उसने मैसेज सुन लिया तो वो मैच बॉक्स से वो मतलब हेड पे आ जाता है वो, और वो जल जाती है पूरी कैसेट, ऐसे वो डिस्ट्रक्ट करते थे उस समय, हार्डवेयर मतलब मैकेनिकल लेवल पे, अभी तो डिजिटल लेवल पे डिस्ट्रक्ट हो जाता है, बट उस समय वैसे। सो दिस मैसेज विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट इन 5 सेकंड, ID इक्वल्स टू इसका दे देते हैं MSG, और यहाँ पे अभी एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो कॉल करने पर क्या होना चाहिए, ये मैसेज ब्लैंक हो जाना चाहिए। ठीक, क्लिक, तो ये एक इनर HTML है गाइस, तो मैं क्या करूंगा, document.getElementById.innerHTML, ठीक, और यहां पर लिखेंगे वो ID का नाम, ओपी दे देते हैं और ओपी नाम का वेरिएबल यहां पर क्रिएट करते हैं। किसी का चेहरा सामने आया क्या ये मैसेज पढ़ने के बाद? हाँ, मतलब इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलो, है ना? ठीक, चलो ये प्रोग्राम को रन करते हैं अभी, टाइम फन, वो मेरा वीडियो देख लेगा यार यूट्यूब पे, मेरे ऊपर केस ना ठोक दे राहुल। ठीक है, वैसे अच्छा इंसान है, ही इज अ गुड पर्सन, कुछ नहीं करेगा, अच्छा बोल रहा हो राहुल भाई। ठीक है, तो अभी ये फंक्शन अगर मैं कॉल करता हूँ तो ये मैसेज क्या हो जाना चाहिए, डिसअपियर होना चाहिए। यहां पर डालते हैं क्लियर MSG, ठीक, तो वो अपने आप हो जाना चाहिए। अपने आप कैसे होगा, तो सेट टाइम आउट फंक्शन हम अभी कॉल करेंगे। सेट टाइम आउट फंक्शन क्या बोलता है कि मुझे वो फंक्शन का नाम दे दो जो मुझे कॉल करना है और कितने सेकंड बाद कॉल करना है, ठीक है, कितने सेकंड बाद कॉल करना है वो भी देखो, तो 5000 मिली सेकंड इक्वल्स टू 5 सेकंड, ठीक है,
रिफ्रेश करते हैं। मैंने हाथ खड़े कर दिया, ठीक। और उधर राहुल भाई का फोटो भी आना चाहिए, ठीक। तो फोटो ले लेते, पहले दिखाएगा फोटो, खत्म भी डालेंगे तो क्या जाएगा खत्म। जेपीजी एक्चुअली चाहिए था इसका। इमेज इन न्यूटा, ये वाला इमेज, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो ओपी के साथ साथ ओपी इक्वल्स टू ओपी प्लस एक इमेज टैग देते हैं जिसका SRC रखेंगे हम, वो URL। ट्राई करते हैं, ठीक। 5 seconds में अपना ओके। तो ऐसा कुछ करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, सेट टाइम आउट फंक्शन ऐसा। तो कोई भी अगर नोटिफिकेशन शो करते हैं तो वो हमेशा के लिए नोटिफिकेशन वहां पे नहीं रहना चाहिए, 5 seconds या 10 seconds में आप उसको डिसअपीयर कर सकते हैं, उस केस में ये यूज करना। अब सेकंड फंक्शन है सेट इंटरवल। अब इसकी रिक्वायरमेंट कहां होती है गाइस, सेट इंटरवल की रिक्वायरमेंट उस समय होती है जब आपको फ्रिक्वेंटली कोई ना कोई एक आउटपुट चेक करना ही है, ठीक। जैसे कि मेल्स है ना, आपके मेल्स आते हैं, आपको रिफ्रेश अपने आप होना चाहिए, ठीक। हमारे केस में हम लोग देखो पोल्स लेते हैं, पोल्स जनरेट करते हैं, है ना, पोल्स जनरेट करते हैं तो सब लोग क्या करते हैं उस पे, पोल्स पे नहीं क्या, वोट करते हैं। और वोट करने के बाद है ना वहां पे एक बटन आती है कि बटन में लिखा होता है कि आपको ऑटो रिफ्रेश करना है क्या, तो हर 30 seconds के बाद या 1 minute बाद वो रिफ्रेश होता है, तो आपको ऐसा मैनुअली जाके रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। क्रिकेट के केस में है ना थोड़ी थोड़ी देर में वो स्कोर नहीं के अपडेट होते रहना चाहिए, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, सेट इंटरवल का यूज कर सकते हो, ठीक। तो यहां पर भी मुझे क्या करना है, अभी ये जो 5 seconds है ना, ये 5 की वैल्यू को चेंज करना, ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा कुछ चेंज करना। तो मैं एक दूसरा ड्यू लेता हूं और यहां पर आईडी दे देता हूं टाइमर, ठीक, टाइमर आईडी दे देता हूं, और टाइमर के अंदर की वैल्यू है ना सेट इंटरवल से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक, सेट इंटरवल से चेंज करेंगे। तो उसके लिए भी वो फंक्शन मांगता है, ठीक, फंक्शन लिखेंगे हम सेट टाइमर, तो वहां पे कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML इक्वल्स टू यहाँ पे डाल देते हैं लेट्स से CNT और CNT माइनस माइनस, ठीक। सो CNT की वैल्यू सेट टाइम सेट इंटरवल, यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं सेट टाइमर एंड इसको हर 1 second में चेंज करना है, ठीक। अब CNT की वैल्यू टॉप पे दे देते हैं हम, CNT इक्वल्स टू 100 दे देते, ठीक है, CNT इक्वल्स टू 100 टॉप पे दे देते ताकि वो अंदर जाके जस्ट माइनस माइनस करते रहे। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक। तो
क्योंकि सीएनटी मैंने ग्लोबली रखा हुआ है, तो सीएनटी फंक्शन के अंदर भी यूज हो रहा है, ठीक है गाइस, सीएनटी फंक्शन के अंदर भी यूज हो रहा है, इसलिए देखो वो वैल्यूज चल रही है माइनस माइनस, ठीक। तो यहां पर जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टाइमर रखा हुआ है, वैसे मैं यहां पर क्रिकेट का स्कोर भी रख सकता हूँ, है ना, मैं ऐसा रख सकता हूँ कि हर कुछ देर में वो पर्टिकुलर कंटेंट चेंज होना चाहिए, जैसे टाइमर है ना वहां पर स्कोर अपडेट होते रहना चाहिए, टेम्परेचर अपडेट होते रहना चाहिए, या फिर पोल्स का काउंट अपडेट होते रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें है ना सेट इंटरवल से हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। सेट इंटरवल की जगह अभी सेट इंटरवल से क्या हो रहा है कि पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ठीक, पेज बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो वैसे ही पेज रिफ्रेश करवाने के लिए एक और चीज आती है, वो सीएसएस नहीं, वो एचटीएमएल के मेटा टैग में आता है रिफ्रेश करने का पार्ट, ठीक। तो वो सेट टाइम आउट से नहीं होता है, वो किसी और चीज से होता है, वो आप जस्ट मुझे फाइंड आउट करके आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे वो फाइंड आउट करने के लिए 2-3 घंटे लग गए थे, मैं यही चेक कर रहा था कि पेज रिफ्रेश कहां से हो रहा है। तो आप मेटा टैग से, एचटीएमएल के मेटा टैग से भी रिफ्रेश करवा सकते हैं पेज को, ऐसा है प्रोविजन, ठीक। वहां पर वो मिलीसेकंड्स में ऐसा दे सकते हैं मेटा टैग में कोई तो भी ऐसा टाइम वगैरह एट्रीब्यूट के साथ, और वो उतने सेकंड बाद अपने आप रिफ्रेश होता है, पेज लोड हो गया कुछ सेकंड बाद वो अपने आप रिफ्रेश होता है। तो जावास्क्रिप्ट में कभी नहीं मिलेगा आपको रिफ्रेश वाला पेज, वो उसमें है अवेलेबल, ठीक। तो ऐसा किसी तो भी मेरे पहले के डेवलपर ने करके रख दिया था मुझे परेशान करने के लिए, ठीक है, मैंने तो बहुत गालियां मारी उसको, ठीक, अगर वो मिल जाए ना तो और भी बहुत मारूंगा उसको, ठीक है, बाल खींच खींच के। तो मेरे पहले डेवलपर ने ऐसा रिफ्रेश करके रखा था, ठीक। तो सेट टाइम आउट से भी आप कर सकते हो, सेट इंटरवल से भी आप, इंटरवल की रिक्वायरमेंट समझ गए ना, इंटरवल इज फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है, टाइम आउट इज फॉर डिफरेंट पर्पस। टाइम आउट हो गया तो एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, सेट इंटरवल फ्रीक्वेंट मतलब वो चलते ही रहता है, इंटरवल एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो चीज एग्जीक्यूट होगी ही होगी, ठीक। यहाँ पे जैसे मैंने 1 सेकंड रखा है, वैसे आप 30 सेकंड्स रख सकते हो, और आपको स्कोर अपडेट करना है उस समय, स्टॉक्स के प्राइस है ना, शेयर मार्केट के स्टॉक्स के प्राइस अपडेट करना है उस समय, ये कोविड के केसेस काउंट है ना, कोविड केस काउंट ऐसा कुछ, ठीक है। दोनों फंक्शन का पर्पज समझ में आया गाइस, उसको आप जैसी रिक्वायरमेंट है उस समय यूज करना। नेक्स्ट वन इज लैम्बडा फंक्शन, सॉरी कॉल बैक फंक्शन एंड देन लैम्बडा फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक देख लेते हैं, फिर एक शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे, ठीक। अब ये कॉल बैक फंक्शन और लैम्बडा फंक्शन क्या होता है, तो कॉल बैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी और फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट चले जाए, ठीक है। लैम्बडा फंक्शन सॉरी कॉल बैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी और फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट चले जाता है। तो यहां पर देखो क्लियर मैसेज नाम का तो फंक्शन ऑलरेडी है, मैं उसको डायरेक्टली भी क्लियर मैसेज कॉल करके देखा था ना, F12 प्रेस करके कॉल हो रहा था, बट ये फंक्शन एज एन आर्गुमेंट किसको चले गया है, सेट टाइम आउट के अंदर चले गया है ना। सेट टाइम आउट जनरली फंक्शंस में हम आर्गुमेंट जब पास करते हैं तब कभी भी फंक्शन पास नहीं करते गाइस, थोड़ा ध्यान दो, जब भी हम लोग कोई फंक्शन कॉल करते किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तब कोई दूसरा फंक्शन एज एन आर्गुमेंट कभी पास नहीं करते, सिर्फ वेरिएबल्स के नाम पास करते। बट इन जावास्क्रिप्ट यू कैन पास फंक्शन एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन, उसी चीज को क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो क्या होता है कि सेट टाइम आउट फंक्शन अगर मैंने कॉल किया तो वो इंटरनली कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है, क्लियर मैसेज फंक्शन को कॉल कर रहा है, और क्लियर मैसेज फंक्शन को एग्जीक्यूट करके यहां पर कुछ ना कुछ वो आउटपुट दे सकते, क्लियर है गाइस। तो वैसे ही आप सेट टाइम आउट फंक्शन या फिर सेट इंटरवल जैसे खुद के फंक्शंस भी बना सकते हो, और वो खुद के फंक्शंस अगर आपने बना दिए तो उस फंक्शन को बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के साथ फैट एरो के साथ ही मतलब जो लैम्बडा एक्सप्रेशन है उसके साथ ही वो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो दोनों टॉपिक अपने क्लियर हो जाएंगे वहां, ठीक। कॉल बैक एंड अब देखो मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है एड, ठीक, फंक्शन
बनाया है, मस्त फंक्शन बनाया है, ठीक है, जो कि एडिशन शो करता है एक्स कॉमा। ठीक है, इसको कॉल करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, प्रॉपरली शो करें। एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं, ये भी प्रॉपरली शो करते हैं, ठीक है, नो एरर। तो दो फंक्शंस तो हो गए ऐसे, अभी मुझे हजारों फंक्शंस बनाने, बट मुझे यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी है पाइथन जावास्क्रिप्ट के अंदर कि मैं फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। तो मैं यूजर को क्या बोलना चाहता हूं कि तुम एक ही फंक्शन कॉल करो, तुम एक ही फंक्शन कॉल करो, उसको आर्गुमेंट पास करो, प्लस आर्गुमेंट के साथ साथ कौन से टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी पास करो। क्या गाइस, एक ही फंक्शन कॉल करो, उसमें आपको जो आर्गुमेंट्स पास करने हैं वो आर्गुमेंट्स पास करो, जैसे दो नंबर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये भी आप पास कर दो, ठीक है। तो वहां पर कंसेप्ट आता है आपका कॉल बैक फंक्शन का। तो मैं फंक्शन, ठीक, फंक्शन ऑपरेट, इसमें मैं पास करता हूं x कॉमा y कॉमा op, ठीक है, x कॉमा y कॉमा op, तो op फंक्शन कॉल होगा और उसमें x कॉमा y हम वैल्यूज आर्गुमेंट एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे। अब थोड़ा सा लॉजिकली ध्यान दो गाइस, ऑपरेट नाम का फंक्शन में कितने आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं, तीन आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं। तो मैं एक नंबर पास करता हूं, दूसरा भी नंबर पास करता हूं, मुझे बताओ फाइव कहां जाएगा गाइस, एक्स में, सेवन कहां जाएगा वाई में, और अभी मैं फंक्शन का नाम पास कर देता हूं, ठीक है। तो ओपी एक्चुअली रिप्लेस हो जाएगा किससे, एड से, और इवेंचुअली यहां पर होगा क्या, ऐसे कॉल होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो रिप्लेस हो जाएगी फाइव से, ठीक है, ऐसे y की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी सेवन से, और op की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, एड से। तो अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं तो भी उसने मुझे आउटपुट दिया, ठीक है। तो यूजर को सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, ऑपरेट नाम का फंक्शन और कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उसको सब्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट के लिए कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है ना, यूजर का काम आसान। कल चल के यूजर बोलता है कि मुझे अपना खुद का मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाना है, तो कॉल करना भाई, तो यही कॉल कर, ऑपरेट 5.6 कॉमा खुद का फंक्शन लिख, उसको खुद का फंक्शन लिखने बोलेंगे, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। डायरेक्ट फंक्शन ही यहां पे बना रहा हूं मैं, डायरेक्ट फंक्शन, उसको बोलना कि तुझे खुद का फंक्शन लिखना है, कि तुझे अगर मल्टीप्लीकेशन करना है 5 × 6 तो 5 × 6 × 5 ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है, 5 × 6 कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करो उसमें मल्टीप्लाइड बाय 5 होना चाहिए, मतलब 5% टैक्स समझ लो ऐसा, ठीक। क्या करेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डॉलर y equals to dollar x into y, function x comma y, ठीक।
ओके वो बोलता है कि मैं जब अपना मल्टीप्लीकेशन करूंगा मेरे मल्टीप्लीकेशन में हमेशा 5 से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, चाहे कोई भी वैल्यू हो वो मल्टीप्लाइड बाय 5 भी होना चाहिए। तो उसको खुद का बनाना पड़ेगा, करो भाई मेरा तो डिफॉल्ट है और तुम्हें खुद का बनाना है तो खुद का बना। ठीक, तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम मल्टीप्लीकेशन वाला, या फिर खुद का लॉजिक बना सकते। हमने सेट इंटरवल सेट टाइम आउट में वही तो किया, खुद के फंक्शन ही तो बनाए, एग्जिस्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किए क्या? नहीं, खुद के फंक्शन। ठीक, अब फाइनल एक कीवर्ड आता है जिसका नाम है लैम्बडा एक्सप्रेशन। अब मुझे पता है कि ये फंक्शन जो मैंने 5 × 6 वाला फंक्शन जो है वो मुझे एक ही बार यूज करना था, इसलिए मैंने फंक्शन को नाम नहीं दिया। गाइस देखो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज किया लेकिन फंक्शन को नाम नहीं दिया, कुछ ध्यान दे रहे हो गाइस यहाँ पर कि फंक्शन को नाम नहीं दिया क्योंकि मुझे वो एक ही बार एग्जीक्यूट करवाना था। तो फंक्शन भी क्यों लिखू मैं फंक्शन भी क्यों लिखू अगर मुझे एक ही बार यूज करना है, तो मैं फंक्शन भी क्यों लिखू। यहाँ पर डाल देते 40/5 एक्स कॉमा वाई क्या होता है कंसोल डॉट लॉ, बैकपोर्ट। अब ये लिखने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट, दिखने के लिए डिफिकल्ट लगता है, इसलिए इसको क्या कर देते हैं कर्ली ब्रेस को जस्ट न्यू लाइन में ले लेते हैं। यहां पर चाहिए मुझे डॉलर एक्स की वैल्यू डिवाइड बाय डॉलर वाई की वैल्यू इक्वल्स टू डॉलर एक्स डिवाइड बाय वाई। ठीक, तो फंक्शन कीवर्ड अगर आपने निकाल दिया तो आपको सिर्फ क्या यूज करना है फैट एरो, इसको क्या बोलते हैं हम फैट एरो। क्लियर है गाइस, फैट एरो यूज करो और फंक्शन कीवर्ड का भी वहां पर। ये आपको एंगुलर जीएस जब सीखेंगे ना तब थोड़ा इन डेप्थ बताऊंगा मैं कि एक्चुअली वो फैट एरो का मीनिंग क्या होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड निकल गया है ना अभी तो पता है ये एक तरह से ओपन ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये ब्लॉक जो है ये ओपन हो गया है, ये अभी एक सेपरेट एंटिटी नहीं रहा, ये प्रोग्राम का पार्ट बन गया है, तो इसके अंदर मैं कोई भी ऐसे वेरिएबल्स डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एंगुलर में बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। अभी कैसा है, मैंने इसके अंदर कोई, इसके ऊपर कोई अगर वेरिएबल ऐसा क्रिएट कर दिया समझ लो t=5 तो मैं 5 इसके अंदर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड चले गया। ठीक है, अगर फंक्शन कीवर्ड रहता तो फंक्शन कैसे अलग से स्टैक मेमोरी में जाता है ना, तो पूरा सेपरेटली एग्जीक्यूट करता है वो, बट अभी फंक्शन कीवर्ड चले गया है तो मैं इसको अभी t वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि वो प्रोग्राम का पार्ट बन जाता है। ठीक, क्लियर है गाइस। और ये लिखने के लिए भी थोड़ा सूटित हो जाता है, अगर फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखा सिंपली इतना लिख दो, है ना, चलेगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लगती है गाइस लैम्बडा फंक्शन, अगर लैम्बडा, क्योंकि लैम्बडा हर जगह है, लैम्बडा आपका पाइथन में भी है, लैम्बडा जावा में भी है गाइस, लैम्बडा जावास्क्रिप्ट में भी है। ठीक, ऑलमोस्ट अभी इन फ्यूचर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लैम्बडा एक्सप्रेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम है जिसमें हमने दोनों भी केसेस देख लिए, एक तो कॉल बैक फंक्शन भी देख लिया इसमें। कॉल बैक फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो एज एन आर्गुमेंट पास होता है किसी और फंक्शन को। ठीक, एज एन आर्गुमेंट क्यू पास होता है वो चीज अभी एक बार फिर से बता देता हूं। एड नाम का मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ गाइस यहाँ पर। ठीक है, फंक्शन ही है वो, लेकिन फंक्शन को एज अ वेरिएबल जैसा भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ इस तरह लिख के, इसीलिए वो फंक्शन एज एन आर्गुमेंट चले जाता है किसी भी उस दूसरे फंक्शन में, ऐसा जा सकता है। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही अलाउड है और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी तक अलाउड नहीं है कॉल बैक फंक्शन। क्लियर है गाइस, दैट्स हाउ यू कैन यूज कॉल बैक फंक्शन। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लगती है बट बहुत रेयरली यूज होता है। ठीक है, बहुत रेयरली यूज होता है। ऑलरेडी जो सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल फंक्शन है हम सिर्फ वहां पर ही यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ाना, आगे वाला डेवलपर आके खुद आपको गाली देगा। बहुत सारी हिचकियां आती है पता है, अगर हिचकियां आ गई बहुत ज्यादा एक दिन में, समझ लेना कि आपको वो डेवलपर गाली दे रहा है जो कोड आपने लिखा है उसके लिए। ठीक है, सो ट्राई करना कि सिंप्लिसिटी रखना,
कोड के अंदर, क्योंकि हमें मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा, कल चल के कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा, रिवैम्प करना पड़ेगा, उस समय कंफ्यूजन ना हो तो सिंपल फंक्शन ही ज्यादा से ज्यादा यूज करो, ठीक है। और कॉल बैक फंक्शन कौन से दो यूज करना, से सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल के वक्त अपना खुद का फंक्शन बना के वहां पास करो, क्लियर है। चलो अभी एक छोटा सा 5 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और फिर बाकी के टॉपिक्स, कितने आधे घंटे के और टॉपिक्स है वो देखते हैं, ठीक। हम मतलब क्लासेस के पहले वाला जो पार्ट है ना, फंक्शन प्रोटोटाइप, सिर्फ वहां तक देखना है, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट वीक, सो एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बैक इन 5 मिनट्स।
ओके चलो वेलकम बैक गाइस. कॉल बैक फंक्शन, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या होता है, पैटर फंक्शन क्या होता है, वो चीज हमने देखा. आप उसको प्रैक्टिस करो, बट वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए ठीक है. प्रैक्टिकली अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो रेयरली यूज करना वो चीज, क्योंकि हर किसी को लैम्बडा फंक्शन समझ में नहीं आता. ठीक, ओके. नेक्स्ट वन है इवेंट्स. तो आपने ऑन क्लिक इवेंट, ऑन की अप इवेंट देख लिया है. वैसे आप ऑन की प्रेस इवेंट, ऑन की अप इवेंट, ऑन की डाउन और ऑन की ऑन माउस ओवर, ये वाले इवेंट्स भी आप यूज कर सकते हो. ठीक, तो मैं इनके मीनिंग बता देता हूँ आपको क्या है. ऑन की प्रेस आप तब यूज करना है जब आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे गेम्स में होता है ना, जैसे मैंने की प्रेस करके रखा है तो कंटिन्यू वो ऑब्जेक्ट है वो चलते रहना चाहिए ऐसा. ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ऑन की प्रेस इवेंट यूज कर सकते हो. सेकंड है उसके बाद ऑन की डाउन. ठीक है, ऑन की डाउन उस केस में आपने करना है, आपको वैलिडेट करना है कोई चीज. लेट से यूजर ने, यूजर को आपने टेक्स्ट बॉक्स ही दिया है, इनपुट टाइप नंबर नहीं दिया, सिर्फ इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स दिया है, बट यूजर इनपुट डाउन जैसे की प्रेस करता है, की डाउन करता है, उस समय क्या उसने की प्रेस किया है ये चीज आइडेंटिफाई करके आप उसको रिटर्न फॉल्स करवा सकते हो. ठीक है, अगर वो जीरो से लेकर नाइन के बीच में नहीं है, वो की प्रेस की है उसने, वो जीरो से लेकर नाइन के बीच में नहीं है, तो आप यूजर को मतलब टाइप ही ना करने दो. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं. कोई अगर टेक्स्ट इनपुट चाहिए तो उसमें नंबर आना ही नहीं चाहिए, किसी के नाम में नंबर नहीं आना चाहिए समझ लो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर ए से लेकर जी तक और स्पेस सिर्फ इतना ही अगर प्रेस कर रहा है तो उसको प्रेस करने दो, नहीं तो मत करने दो. ठीक है, उसको प्रेस ही नहीं करने देना. तो वो की डाउन के वक्त ही आप उसको रोक लो, की अप के वक्त अगर रोकोगे तो वो टाइप हो जाएगा, समझ रहे हो. ऑन की अप के वक्त अगर उसको रोकोगे तो वो टाइप हो जाएगा, बट की डाउन मतलब प्रेस किया, वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाने का है, उससे पहले आपका फंक्शनैलिटी कॉल कर सकते हो. ठीक, ऑन की डाउन पे वो फंक्शन जो भी लिखोगे वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाने से पहले ही कॉल हो जाएगा. की अप के वक्त क्या होता है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चले गया वो वैल्यू, एंड देन अप करने के बाद वो फंक्शनैलिटी कॉल हो जाए, जो हमने ऑन की अप देखा थोड़ी देर पहले. ठीक है, स्क्वायर वाले के प्रोग्राम में. फिर आता है आपका ऑन माउस ओवर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ये मैं दिखा देता हूं कैसे करते हैं. उसको दे दो, ठीक है. इसका क्या दिख रहा है, येलो कलर शो कर रहा है बैकग्राउंड में. अभी जब भी मैं मतलब उसके ऊपर हुवर करूं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं. ठीक, हुवर करते ही वो रेड कलर में कन्वर्ट होना चाहिए. तो मैं क्या करूंगा यहां पर, एक फंक्शन लिखते हैं, बॉक्स
सबसे पहले सिर्फ वो फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है उतना चेक करते हैं, ठीक। क्या करना है गाइस, ऑन माउस, ओवर, ठीक, ऑन माउस ओवर, कौन सी फंक्शनलिटी कॉल करनी है, चेंज बीजी, F12 प्रेस करते हैं, कंसोल में आउटपुट शो करेगा हमें। ठीक है, जैसे मैं माउस उसके ऊपर लेकर जा रहा हूं ऐसे वो शो कर रहा है, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन आ सकती है, इमेज है उसके ऊपर माउस ओवर किया, उसकी स्पेसिफिक डिटेल शो करनी है, ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। वो रहता है ना डूडल, गूगल पे डूडल आता है कभी कभी किसी का बर्थडे, तो ऐसा माउस ओवर करके वहां पे ऐसा दिखता है कि क्या किसका बर्थडे है, क्या स्पेशल चीज है, ऐसा आउटबॉक्स में दिखता है, तो वो चीज कर सकते हो। सो मुझे पता नहीं है कि कलर कैसे चेंज करते हैं, तो जस्ट गूगल कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चेंज बैकग्राउंड कलर यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, ठीक। DOM का फुल फॉर्म होता है गाइस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब कोई भी आप ऐसा व्यू में अगर दिखते देखते हैं ना, कोई ऐसा ड्यू, कोई टेबल, वो सब डॉम्स ही रहते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ही रहते हैं, उनको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, सो डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, ऐसा कुछ तो भी है, बट ये पूरे बॉडी का हो जाएगा शायद, मैं किसी एक एलिमेंट का करना है, हाँ। सो ठीक है, ये ऐसा ही दिख रहा है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर कोड में आते हैं, रिफ्रेश, वाओ, रिफ्रेश, जैसे माउस वहां से निकलेगा वैसे हमें चाहिए फिर से येलो, ठीक है। जैसे माउस वहां से निकलेगा फिर से हमें चाहिए येलो। एक और फंक्शन लिखते हैं, रिवर्ट कर देना कलर को, ये कब करना, ऑन माउस आउट, ठीक है। ऑन माउस क्या है, आउट, ठीक, इक्वल्स टू तक खेड़ा से नहीं, ठीक है। ये जस्ट कभी कभी ऐसा होता है आपको कोई लेट से बॉक्सेस, जूम इन जूम आउट, ये जब कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा माउस ओवर करते हो तो उस केस में आपको करना पड़ सकता है कि ऑन माउस ओवर वो ऑब्जेक्ट जो है, जो प्रोडक्ट है उसका फोटो जूम होना चाहिए, और माउस ओवर करने पर वो एज इट इज स्टैटिक हो जाना चाहिए, ठीक। कल हमने टेबल देखा था, टेबल में जो रोज थे कौन सा रो पे मेरा नहीं क्या ये माउस है, तो उसको हम हाईलाइट करते हैं, जैसे जनरली जीमेल पे होता है ना, बहुत सारी लिस्ट आती है जीमेल पे, तो हम माउस ओवर करने पर ऐसा कुछ ना कुछ वहां पे हाईलाइट हो जाता है, तो उस केस में भी इसका यूज कर सकते हैं। माउस गया तब ठीक, कुछ हाईलाइट कर दो, नहीं है तब निकाल दो, ठीक है। तो ऐसे आप इवेंट्स कॉल कर सकते हो, ये दीज आर ऑल लाइक ऑन ऑन ऑन, एंगुलर और रिएक्ट में क्या है, ऑन कीवर्ड ऑन निकाल देते हैं, जस्ट क्लिक पे क्या करना चाहिए, माउस ओवर की जगह ऑन माउस ओवर की जगह माउस ओवर, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है, मतलब इवेंट्स यही है वहां पर भी कॉल करने के लिए, ठीक। और ऑन क्लिक सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ऑन क्लिक या फिर क्लिक।
चलो नेक्स्ट वन है ऐड इवेंट लिसनर एंड देन फंक्शन प्रोटोटाइप। ऐड इवेंट लिसनर भी एक्चुअली बहुत कम यूज होता है, मतलब ना के बराबर ही यूज होता है, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या है। कोई भी एक आईडी रहती है ना जैसे, तो उसके ऊपर अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं उसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ कोई भी इवेंट। ठीक है, कोई भी इवेंट ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने बटन आईडी इक्वल्स टू दे दिया लेट से गेट स्क्वायर, ठीक, बटन आईडी इक्वल्स टू दे दिया मैंने गेट स्क्वायर ही, लेकिन गेट स्क्वायर फंक्शन नहीं, आईडी का नाम दिया गेट स्क्वायर, तो मैं उस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, ये ऐड इवेंट लिसनर में डाल सकता हूँ। ठीक, मतलब ऐड इवेंट लिसनर में मैं सेपरेटली डाल सकता हूँ, तो मुझे ऑन क्लिक ये चीज टैग में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए मैं अलग से क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट ही लिखूंगा, बट मुझे उसको मैप करने के लिए आईडी या फिर क्लास नेम देना पड़ेगा सिर्फ टैग। ठीक, यहां पर देखते हैं ये वाला चीज। देखो एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर, और यहां पर कर दिया उसने क्लिक। ठीक, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर जब भी मैं क्लिक करूंगा तब ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी चाहिए, ऐसा उसने बोला है। ठीक, तो यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, गेट क्यूब नाम का क्या है, एक आईडी है। ऑन क्लिक नहीं कर रहा हूं मैं, फंक्शन कॉल भी नहीं किया हमने उस लाइन पे। अभी क्या करते हैं हम लोग, यहां पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब वो एलिमेंट मिल जाएगा मुझे इससे। ओके, गेट क्यूब, और उसके ऊपर अभी एक इवेंट ऐड करना है, तो एड इवेंट लिस्नर। ठीक है, एड इवेंट लिस्नर, उसके ऊपर एड इवेंट लिस्नर, और कौन सा इवेंट, क्लिक पे। उसके क्लिक पे अभी क्या फंक्शनैलिटी करनी है, ये वाला फंक्शन हमें सेपरेटली लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था गाइस फैट एरो फंक्शन, याद है, तो वो मैं यहां पर यूज कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली फंक्शन यूज करेंगे और अलर्ट डाल देंगे। ठीक, ट्राई करके देखते हैं एक बार, रिफ्रेश 5 और गेट क्यूब पे, है ना, तो ऑन क्लिक ऐसा जैसा कोई चीज रहेगा, बट ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है गाइस। अच्छा, वो डिबग करने के वक्त है ना, तो कहां से कॉल हो रहा है, कहां से कॉल हो रहा है, यही ढूंढते रहते हैं लोग। एड इवेंट लिसनर अगर लिखा तो आपने, आपका जनरल लॉजिक क्या रहता है कि आप फंक्शन ये अपना क्या बोलते हैं, जो भी टैग्स है उसमें ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ऐसा इंस्पेक्ट ऐसा कर दिया मैंने यहाँ पर, ऐसा राइट क्लिक कर दिया और इंस्पेक्ट किया, तो मैं यहां से ही आइडेंटिफाई कर सकता था कि ऑन क्लिक पे क्या कॉलिंग, कहाँ से कॉल हो रहा है, ऐसा ढूंढते बैठते। ठीक है, तो वो एड इवेंट लिसनर की वजह से वैसा हो सकता है। ठीक, पर्टिकुलर आईडी के ऊपर या फिर पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो ये फंक्शनलिटी परफॉर्मेंस है। गेटिंग इट गाइस, ये भी बहुत रेयरली यूज होता है, ऑन क्लिक ही सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस रखना। ठीक, बट आपको अगर ऐसा हैकिंग नहीं होनी चाहिए इजी वे में, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोड हैक नहीं होना चाहिए, या फिर दूसरे को परेशान, या फिर आप कंपनी छोड़ के जाना चाहते हो तो सब जगह एड इवेंट लिस्टनर डाल दो, आगे वाला नहीं का डेवलपर गाली देते रहेगा। ठीक, यहाँ पर क्या करना है हमें, किसी का मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, मेरा है क्या, एक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट बाइनरी डॉट वैल्यू नाउ, ठीक। यहाँ पे आउटपुट में चाहिए मुझे डॉलर एक्स क्यूब ऑफ डॉलर एक्स इज डॉलर क्लियर है गाइस? या यूज कर सकते, ये सारे प्रोग्राम्स मैं आपको दे दूंगा जिप बनाकर, आप उसको कभी भी चेक कर सकते हो वीडियो देखते वक्त अगर कभी जरूरत पड़ी तो। एक काम करते हैं उसको फिर गिट लैब पे ही डाल देते हैं, तो कैसा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक डाल दूंगा, है ना, वो अच्छा रहेगा, आप जब चाहे तब प्रोग्राम्स देख सकते हो पब्लिक। चलो फाइनल टॉपिक ऑफ द डे दैट इज फंक्शन प्रोटोटाइप। अब ये फंक्शन प्रोटोटाइप फाइनल टॉपिक क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि इसके बाद ही रिवोल्यूशन शुरू हुआ। फिर 2015 के बाद जो है ना, 2015 तक जावास्क्रिप्ट सिर्फ फंक्शन प्रोटोटाइप तक ही चलता था और काफी अच्छे से चलता था, बट थोड़ा सा नीचे जाना चालू हो गया था जेक्वेरी की वजह से। जेक्वेरी यूज करना चालू कर दिया था लोगों ने, सभी लोगों ने, तो इन्होंने फिर खुद को ही थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया, ठीक। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, फंक्शन प्रोटोटाइप को समझना है एंड देन आज का सेशन एंड करना है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट सब लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं सिंपली बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनकैप्सुलेशन, जूम में चलो, जूम में चलो, फोटो में था ना, ठीक है। सो एनकैप्सुलेशन, उसमें क्या होगा कि आपको कंबाइन करके रख सकते हो आप डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस को। एक सिंपल सा एग्जांपल जो हम हमेशा लेते, सर्कल वाला रेडियस, उससे रिलेटेड क्या हो सकता है ऑपरेशंस, रेडियस के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं हम, सर्कमफेरेंस और एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी एग्जांपल को प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर एक्चुअली फंडामेंटल समझते हैं इसका। बट अगर आप नोड जेएस या जावास्क्रिप्ट के किसी भी स्टैक के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप, ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वो आंसर प्रैक्टिकली ऐसे बताना। फंक्शन मैं अभी ये जो फंक्शन बनाने वाला हूं ये एज अ क्लास बनाने वाला हूं, ठीक है। ये जो फंक्शन बनाने वाला हूं ये फंक्शन एज अ क्लास बनाने वाला हूं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जितने चाहे उतने क्या कर सकता हूं, वेरिएबल्स बना सकता हूं। लेट्स से मुझे एक वेरिएबल बनाना है एरिया, ठीक है, एरिया, क्योंकि एरिया के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म, मतलब सर्कल के ऊपर ऐसे एरिया ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एक फंक्शन बनाता, फंक्शन की जगह डायरेक्ट वेरिएबल का नाम देते, एरिया इक्वल्स टू, वो फंक्शन टाइप का वेरिएबल रहेगा, ठीक। और यहां पे कंसोल डॉट लॉग इज, ठीक। अभी इसका मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, सी इक्वल्स टू, ठीक है, सर्कल, न्यू सर्कल रहता है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट सी इक्वल्स टू न्यू सर्कल एंड देन सी डॉट एरिया। कोई भी फंक्शन कॉल करना है तो मैं इस तरह से कॉल करूंगा, इसको करते हैं रन। C is not a function. C is not a function. अच्छा,
ये 5 डाल के देखते हैं, क्योंकि वो 5 एक्सेप्ट कर रहा है ना। सी डॉट एरिया इज नॉट अ फंक्शन, चलो वेयर डाल के देखते हैं। स्टिल सेम, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्योंकि मैंने ये यूज करना बंद कर दिया, इसलिए तो फंक्शन विद कुछ कीवर्ड शायद मैं भूल गया, क्योंकि एक्मा स्क्रिप्ट आने के बाद मैंने क्लास कीवर्ड ही यूज करना चालू कर दिया। क्लास कीवर्ड से थोड़ा आसान हो जाता है। इसने जेएस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट दिया क्या, डायरेक्ट क्लास कीवर्ड ही यूज किया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्लास। ओके, दिस डॉट ऐसा कुछ देना पड़ता है। ट्राई टू रन दिस, हाँ दिस कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ठीक, तो एरिया एंड सरकमफेरेंस ये दोनों भी किससे रिलेटेड है, सर्कल से रिलेटेड है, तो मैं उनको कैसा एक ब्लॉक के अंदर रख दूंगा। ठीक है, तो कैसा जब भी मैनिपुलेशन करना है सर्कल के अंदर, कोई चेंज करना है, तो मैं सर्कल क्लास के अंदर जाके चेंज करूंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इससे कैसा क्या होगा कि जब इन फ्यूचर कोड को मॉडिफाई करना है या फिर कोई चेंजेस करने हैं तो थोड़ा आसान वे में चेंजेस कर सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं किया, सभी के सभी सिर्फ आपने फंक्शंस ही बना के रख दिए, क्लासेस बनाए ही नहीं, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको कोड चेंज करने में, और ढूंढने में भी टाइम लगेगा। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, अभी दिस डॉट सरकमफेरेंस एंड नाउ आई कैन कॉल दिस सी डॉट। तो 5 रेडियस के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करके यहां पर शो करेगा। क्लियर है गाइस? अब यहां पे फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है सर, क्योंकि क्लास कीवर्ड तो बाद में आया, एक्मा स्क्रिप्ट ने उसको 2015 के बाद दिया क्लास कीवर्ड। ठीक, तो पहले ये इसी तरह से बनाते थे, तो प्रॉब्लम ये होती थी ना, थोड़ा सा ध्यान दो गाइस, प्रॉब्लम ये होती थी कि यहां पर जब भी ये लोग यूज करते थे ऐसा फंक्शन, मतलब एज अ क्लास फंक्शन कीवर्ड के साथ ही क्लास बनाते थे, तो दिस डॉट एरिया नाम का फंक्शन बनने की जगह वो दिस डॉट एरिया नाम का क्या बन जाता वेरिएबल, फंक्शन की जगह वो क्या बन जाता था, वेरिएबल बन जाता था। यहां पर आप देख रहे हो ये जो है दिस डॉट एरिया वेरिएबल के जैसा दिख रहा है ना, इक्वल्स टू कुछ तो भी वैल्यू उसको असाइन हो रही है, तो एज अ वेरिएबल अगर वो चले जाता था तो उतनी ज्यादा मेमोरी वो कंज्यूम करता था, उतनी ही ज्यादा मेमोरी वो कंज्यूम करता था, जबकि आपको पता है फंक्शन हमेशा स्टैक में जाते हैं और स्टैक में सिर्फ एग्जीक्यूट होके निकल जाते हैं, बट ऐसे एज अ मेमोरी नहीं लेता था वो। बट अगर मैं वेरिएबल बनाता हूँ तो वो एज अ मेमोरी ले लेगा। ठीक, तो लेट से इसका अगर 2 बाइट्स मेमोरी है और इसका 2 बाइट्स मेमोरी है, और ऐसे मैंने 10 ऑब्जेक्ट बनाए, तो बताओ कितने बाइट्स चले जाएंगे। कितना, 20 या 40? 20 या 40? अरे मैथमेटिक्स, अरे टू टू, तो एक ऑब्जेक्ट का 4 हो गया, तो 10 ऑब्जेक्ट का कितना हो गया, दो वेरिएबल्स, मतलब इसका 2 बाइट्स है और इसका 2 बाइट्स है, तो
इसका अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो 4 bytes का ऑब्जेक्ट बनता है, तो 10 objects बना रहा हूं तो कितने bytes जाएंगे, टोटल 40 bytes। और ऐसे अगर एक साथ अगर 1 crore यूजर लॉग इन हो गए तो कितना, 40 crore, है ना, 40 crore नहीं क्या bytes ऐसे चले जाएंगे। तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फंक्शन है, फंक्शन से फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, और कॉमन ही है ना। मैं चाहे 10 objects बनाऊ, 10 के लिए ये एक जैसे ही फंक्शन वर्क करेंगे, डेटा अलग अलग रहेगा बट ये फंक्शन एक जैसे ही रहेंगे। तो इस केस में क्या करते हैं वो लोग, फंक्शन प्रोटोटाइप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको शेयर्ड बना सकते हो, ठीक है, इस वेरिएबल के जगह पे उसी चीज को आप शेयर्ड रख सकते हो। अगर आपने उसको शेयर्ड कर दिया तो क्या हो जाएगा, अगर एक ऑब्जेक्ट का साइज 2 bytes है तो भले ही आप 100 objects बनाओ तो भी वो 2 bytes ही रहेगा, बाकी सब लोग उसको शेयर करेंगे, ठीक है, बाकी सभी लोग उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे अभी शेयर, देखो मैं इसमें से एक फंक्शन यहां पर सी को सीओ, ये सेम नाम दे दिया, सी ओ बीजे करते हैं, ये देख रहे हैं आपके दोनों भी फंक्शन है और वो फंक्शन एज अ वेरिएबल वहां पे दिख रहे हैं, राइट, एरिया और सरकमफेरेंस ऐसे एज अ वेरिएबल दिख रहे हैं। अब उसको क्या करते हैं, एज अ प्रोटोटाइप के जैसा चेंज करते हैं, मतलब सरकमफेरेंस को सिर्फ एज अ प्रोटोटाइप रखते हैं और एरिया को एज अ वेरिएबल ही रखते हैं। तो यहां पर आपको बाहर निकालना पड़ता है उससे, किससे, क्लास के बाहर निकालना पड़ता है, और क्लास के बाहर तो दिस वर्क नहीं करेगा, ठीक, तो इसके जगह लिखना पड़ता है आपको क्लास का नाम, क्या लिखना पड़ेगा इसके जगह, क्लास का नाम। और इसको अभी सेव करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, सी ओ बीजे सरकम इज नॉट अ फंक्शन, ठीक, अब ये इसका पार्ट नहीं है ऐसा समझ रहा है। तो यहाँ पर सर्कल डॉट प्रोटोटाइप नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, मतलब वो शेयर्ड फंक्शन है ऐसा बताना पड़ता है उसको, प्रोटोटाइप कीवर्ड का यूज। आर इज नॉट डिफाइंड, अब आर को कैसे यूज करना, दिस डॉट ट्राई करके देखते हैं, मुझे याद नहीं है ये भी, हाँ उससे आप कर सकते हैं एक्सेस, ठीक है, दिस कीवर्ड से। तो ये दिस रेफर करता है इस सर्कल को, ठीक, तो सर्कल के अंदर जो भी रेडियस है उसकी वैल्यू वो लेगा और वो सी को असाइन कर देगा, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करके। तो दिस डॉट रेडियस में हम टेम्पररी यहां से जब भी 5 पास कर रहे हो किस में जाएगा, पहले आर में जाएगा, आर में से वो जाएगा दिस डॉट रेडियस में, और ये मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होता है वो आपको एक बार दिखा देता हूं। नोटपैड का मतलब नहीं, फिलहाल उतना आगे नहीं गए, तुम लोग बनाओ ऐसा सॉफ्टवेयर, ठीक। तो ये क्या बनता है गाइस, एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट बन रहा है COBJ नाम का, ठीक है, अलग से एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसके अंदर एक वेरिएबल बन गया है, कौन सा, रेडियस, ओके, रेडियस नाम का एक वेरिएबल बन गया है, एंड सेकंड एक वेरिएबल बना है एरिया नाम का, ठीक, ओप्स, ए एरिया नाम का भी एक वेरिएबल बन गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस डॉट रेडियस और दिस डॉट एरिया नाम का क्या बन गया है, वेरिएबल बने हैं। पहला वाला वेरिएबल एज अ नॉर्मल वेरिएबल के जैसा जिसमें वैल्यू जा सकती है कोई, ठीक, और दूसरा वेरिएबल एज अ फंक्शन वेरिएबल बना हुआ है, ठीक, बट जब भी मैं इसके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ COBJ, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वहां पर भी COBJ2 और रेडियस एक अलग से बनेगा जिसमें वैल्यू रहेगी कोई न्यू, और एरिया नाम का भी एक वेरिएबल रहेगा। तो ये ऐसा 4 bytes, ये 4 bytes ऐसे कर करके 40 अगर ऑब्जेक्ट है तो 40 into 4
ऐसे, और वैसे 10 ऑब्जेक्ट है तो 10 के 40 बाइट्स हो जाएंगे, ठीक वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि जो फंक्शंस है जो कि कॉमन होते हैं उसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप बना देंगे, तो क्लास के बाहर निकाल के उसको डिफाइन करना, जस्ट उसको बाइंड करने के लिए हम क्या देते हैं कि कौन से क्लास का फंक्शन है, ऐसा स्टार्टिंग में दे देंगे, प्रोटोटाइप कीवर्ड का यूज करेंगे और कौन सा फंक्शन बनाना है वो इक्वल्स टू देकर फंक्शन की डेफिनेशन एज इट इज। ओके, ऐसा अगर दे दिया तो अगर फ्रंट एंड में जाते हम, यहाँ पर फ्रंट एंड में जाते हैं और यहाँ पर अगर मैं सी ओ बी जे लिखता हूँ तो आप देख सकते हो कि रेडियस और एरिया तो है, सरकमफरेंस नहीं है। सरकमफरेंस किस में चले गया है? प्रोटोटाइप में चले गया है, ठीक है। तो इस प्रोटोटाइप के अंदर अगर आप देखोगे तो सरकमफरेंस नाम का फंक्शन अवेलेबल है, तो वो शेयर्ड हो गया है सभी लोगों के साथ, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर मैन्युअली अगर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जिसमें वैल्यू सिर्फ डिफरेंट रहेगी बाकी ऑपरेशंस के फॉर्मूले सेम रहेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जो सरकमफरेंस है वो शेयर्ड में से आएगा, उसके लिए एक बार सिर्फ 2 बाइट्स ही रहेगा, भले ही 2 ऑब्जेक्ट बने, भले ही 10 ऑब्जेक्ट बने, लेकिन सरकमफरेंस निकालने वाले फंक्शन के लिए सिर्फ 2 ही बाइट्स यूज होंगे, ठीक। बट एरिया के लिए कितने यूज हो रहे हैं? देखो सी ओ बी जे, इसके लिए एक सी ओ बी जे 2, इसके लिए अलग से एरिया, तो ऐसे 4 4 बाइट एक्सटेंशन। क्लियर है गाइस? फंक्शन प्रोटोटाइप मतलब शेयर्ड मेमोरी में आपके फंक्शंस बनाना, इतना ही कंसेप्ट से ध्यान में रखो। अगर चाहिए तो इतने पार्ट का आप फोटो ले सकते हो, ये इतना ही इनफ है, इतना भी एक्सप्लेन कर दिया तो भी इनफ है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी नीड टू जस्ट यूज जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। नेक्स्ट वीक एंड हम देखेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट जिसमें रहेगा आपका ऑब्जेक्ट्स, जेसन, अजैक्स कॉल वगैरह, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीक में सेशन में देखेंगे, ठीक है। वो चीज भी बहुत ज्यादा यूज होती है, हाँ, जब एक्चुअल प्रैक्टिकली हमें प्रोजेक्ट बनाने हैं तब अजैक्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज होता है, और जेसन का तो सबसे ज्यादा यूज होता है। आज की डेट में जेसन स्टैंडर्ड बन गया है किसी भी माइक्रो सर्विसेस प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मतलब जेसन का यूज करते हैं तो आप वेब सर्विसेज बना सकते हो। अगर आपको जेसन पता नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। जेसन सपोर्ट कहाँ कहाँ करता है? जावास्क्रिप्ट में तो करता ही है क्योंकि उसका फुल फॉर्म ही है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, लेकिन जेसन पीएचपी में भी सपोर्ट करता है, पर्ल में भी सपोर्ट करता है, गो लैंग्वेज में भी सपोर्ट करता है, जावा में भी सपोर्ट करता है, पाइथन में भी सपोर्ट करता है, हर जगह आपका जेसन सपोर्ट करता है। क्लियर है गाइस? इसलिए जेसन सीखेंगे हम थोड़ा अच्छे से। आज के लिए इतना काफी है, ये वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ, जैसे अपलोड हो जाएगा आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। जिन लोगों ने भी मिस किया वीडियो देखकर प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, फाइल्स भी मैं शेयर कर दूंगा गिटलैब के अकाउंट में और वो लिंक वहां पे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको जलाइए कि मुझे जावास्क्रिप्ट आता है, ठीक है। चलो आज के दिन में अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको कोडिंग आना जरूरी है गाइस, लेकिन आप अगर नहीं क्या, आपको अगर जावास्क्रिप्ट आता है तो आपके पास सुपर पावर है, समझ में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट अगर आता है तो सीख लीजिए, ठीक। मैं नेक्स्ट वीक में और भी जो टॉपिक्स बचे हुए वो भी क्लियर कर दूंगा। चलो थैंक यू गाइस, बाय।